हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेख फ्रॉम blog2.com और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग या फिर कम्युनिटी वेबसाइट बना सकते हैं। जो वेबसाइट आज हम बनाने जा रहे हैं उसमें वो तमाम फीचर्स होंगे जो एक सोशल नेटवर्किंग या फिर कम्युनिटी वेबसाइट में होने चाहिए, जैसे कि एक बंदा आके यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकता है, दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकता है, दूसरे इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, लोग एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पीपल कैन क्रिएट अ ग्रुप, लोग ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप बनाने के बाद अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, अपलोड इमेजेस एंड फाइल्स, मतलब लोग फाइल्स और इमेजेस और MP3 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं और हर चीज़ जो हम करने वाले हैं आज सब प्रोफेशनल है। मतलब कि एक बंदा जब नया अकाउंट बनाने जाता है तो पहले उसके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन आता है तो वेरीफाई करता है, उसके बाद उसका अकाउंट बनता है। मतलब जैसे तमाम आप देखे होंगे जैसे आप एक अकाउंट बनाते हैं फेसबुक में, सेम वही स्टेप है जैसा आप एक ट्विटर में अकाउंट बनाते हैं और उसी तरह ये वेबसाइट ऑपरेट करती है। अभी बहुत सारे लोग आप में से सोचते हैं कि यार ऐसा वेबसाइट बनाने के लिए तो एक मतलब हायर क्वालिफिकेशन या फिर कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक 9 साल का बच्चा भी ये वीडियो देख के स्टेप्स फॉलो करके अपना खुद का सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना सकता है। और बिकॉज़ क्योंकि हम ये वेबसाइट 2018-19-20 में बना रहे हैं तो हर चीज़ टोटली अप टू डेट है, मतलब कंप्लीट वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, SEO फ्रेंडली है, सिक्योर है। आप अपना वेबसाइट इस पर बना सकते हैं, अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, लोग इस पर आएंगे और एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। सो हम चैटिंग ऑप्शन भी डालेंगे ताकि लोग अपने फ्रेंड्स से और जो भी ऑनलाइन है उनसे चैट कर सके। सो बहुत हो गई बातचीत, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेमो वेबसाइट जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। सो यही एग्जैक्ट वेबसाइट है जो मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में बनाना, और हम लोग हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मतलब आप A to Z चीज़ फॉलो कर सकते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ बीच में मिस नहीं करने वाले हैं, आप सिंपली मेरे स्टेप्स को फॉलो करके खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये है वेबसाइट जो हम इस वीडियो में आज बनाने वाले हैं। ये हमारा होम पेज है, ऑब्वियसली आप कोई भी होम पेज के डिज़ाइन को टोटली चेंज कर सकते हैं, मैंने ये डिज़ाइन प्रिफर किया है सो मेरा ये डिज़ाइन है, बट दे आर मेनी डिफरेंट डिज़ाइंस जो आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सो एट द टॉप इफ़ यू सी, हम एट टॉप पे हमारे पास हेडर है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लोगो है और ये मिडिल में, ये सेंटर में हमारा ये सर्च आइकन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर्च बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब लोग आपके सोशल साइट पे आएंगे तो वो एक दूसरे को सर्च करना चाहेंगे, अपने क्लासमेट को या फिर जो भी उनको सर्च करना है, सो ये सर्च बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो हैमबर्गर आइकन है आप इसको क्लिक करेंगे तो साइड मेनू जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास दो डिज़ाइन है, आप दो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो ऐसा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप साइड बार के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने इसे साइड बार के साथ क्रिएट किया है, सो ऐसा ये लगता है। और आप राइट साइड में देखेंगे तो हमारे पास कुछ आइकन्स है, यहाँ पर ये एक मेन्यू है, आप डिफरेंट ऑप्शंस डाल सकते हैं। यहाँ पर कार्ट आइकन है जो यूज़फुल नहीं है, सो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन है, अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, किसी ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने मैसेजेस देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके सब ऑप्शंस है पेज से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड, जैसे कि आप अगर आप अपनी एक्टिविटी देखना चाहते हैं, प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस है, मैसेजेस है, अपने फ्रेंड्स देखना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप साइन आउट करना चाहते हैं साइन आउट कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये हमारा हेडर था। और उसके बाद आप मेन कंटेंट में देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये मेन्यू है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको ये मेन्यू नहीं चाहिए तो आप विदाउट मेन्यू भी इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये एक डिफरेंट मेन्यू है, सो हम ये भी मेन्यू क्रिएट करेंगे और ये साइड मेन्यू भी क्रिएट करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप ये डिफरेंट लोगोस यूज़ कर सकते हैं मेन्यू के साथ और उनको कलर कर सकते हैं। सो हमारा डैशबोर्ड है, एक्टिविटी पेज है, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ डाल सकते हैं, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है सो मैंने ये डाला है। आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आप जो चाहे वो ऑप्शंस यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा होम पेज है, ये हमारा मेन सेक्शन है, कंटेंट सेक्शन है। यहाँ पर मैंने एक टाइटल दिया है, वेलकम टू माय वेबसाइट, जो भी आपका वेबसाइट का नाम है। उसके बाद सम डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके वेबसाइट के बारे में। उसके बाद मैंने फीचर्ड मेंबर्स या फिर रिसेंट मेंबर्स जो रिसेंटली आपकी वेबसाइट पे
ज्वाइन किए या फिर जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप पॉपुलर मेंबर्स भी डाल सकते हैं जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फीचर्ड ग्रुप है, एक ग्रुप को आप फीचर्ड कर सकते हैं अपकमिंग बर्थडेज़। अभी तो कुछ बर्थडेज़ दिखा नहीं रहा है, बट अगर किसी का बर्थडेज अभी यह मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में रहेगा तो यहाँ पर दिखाएगा आपको और आप उसे देख के विश कर सकते हैं। यहाँ पर फीचर्ड मेंबर है, एक मेंबर जो फीचर है। उसके बाद आप पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, वोटिंग के टाइप की पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं हाउ इज़ माई वेबसाइट, गुड एक्सेलेंट बैड, और आप इसको रेट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। आप इधर पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं विच इज़ वेरी यूज़फुल। मुझे लगता है पोस्ट वेरी यूज़फुल है बिकॉज आप इससे कुछ रुपए भी कमा सकते हैं एडसेंस के थ्रू, सो वेरी यूज़फुल। और आपकी वेबसाइट को ये ज़्यादा ट्रैफिक गेन करने में भी हेल्प करेगा अगर आप अच्छे पोस्ट लिखते हैं, अच्छी तरह से उन्हें यू नो ऑप्टिमाइज़ करते हैं और SEO करते हैं, तो आपके वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक भी आपको मिल सकती है। और ये हमारा लास्ट विजिट है अपकमिंग इवेंट्स। ऑब्वियसली आप और भी विजिट्स ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है। ये एक सिर्फ एक डेमो वेबसाइट है जो मैंने क्रिएट किया है। मैं आपको एग्जैक्ट सेम वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा बीच में, जैसे आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सो ये हमारा इवेंट्स है। अगर आपको कुछ नेक्स्ट इवेंट आने वाले हैं आप उनके डेट देख सकते हैं, जैसा कि जुलाई 21st 8 AM टू अगस्त 5 PM ओके। सो जो भी है आप यहाँ डेट देख सकते हैं, वहाँ का टाइटल देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंगल मेंबर की या फिर सिंगल पर्सन की प्रोफाइल कैसे लगती है। सो जब एक सिंगल पर्सन की प्रोफाइल पर जाइएगा तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। लेफ्ट मेन्यू और हेडर हमारा सेम है, बीच का कॉन्टेंट चेंज हो गया है। अभी यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक दिखेगी, आपका नाम या फिर यूज़र नेम दिखेगा और आप एक कवर इमेज भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है, यहाँ पर एक्टिविटी है, मैंने इस पर्सन के साथ फ्रेंड एक्सेप्ट किया 18 डेज अगो 18 दिन पहले, सो ये सब दिखा रहा है। अगर किसी ने कुछ वीडियो या फिर इमेजेस अपलोड की आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप खुद अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हैं या फिर कुछ फ़ोटोज़ डाल सकते हैं यहाँ पर। और आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, कौन इस पोस्ट को देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, हर चीज़ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ आपके फ्रेंड्स दिखाएंगे, अगर आप फ्रेंड्स पे क्लिक करेंगे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर शो करेंगे। अगर आप ग्रुप्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप मेरा एक ग्रुप है यहाँ पर, ये एक्टिविटी दिखा रही है। अगर आप ये ग्रुप पे क्रिएट करेंगे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा आप कौन से ग्रुप में एडेड है। सो एज़ यू कैन सी मैं इस ग्रुप में एडेड हूँ। आप एक नया ग्रुप भी बना सकते हैं और उसमें अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और सब शो करेंगी। अगर मैं उन्हें अनफ्रेंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से अनफ्रेंड भी कर सकता हूँ। फिर ये हमारा साइड बार है, साइड बार में आप बहुत चीज़ें डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ एक चीज़ डाली है यहाँ पर, जैसे मेरे फ्रेंड्स या फिर जिसके भी आप प्रोफाइल व्यू कर रहे हैं उसके फ्रेंड्स। यहाँ पर आप ऑनलाइन विजिटर्स या फिर रिसेंट पोस्ट, इन जैसे बहुत सारे डिफरेंट विजिट्स है जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बिलीव मी गाइस, आपको कुछ भी कोडिंग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। सिर्फ आपको एक सिंपल सा चीज़ है, यहाँ से उठा के वहाँ डालना है, सिंपल, कुछ भी आपको नहीं करना है। सो इट्स रियली सिंपल, हर कोई क्रिएट कर सकता है। बॉटम में अगर आप ये देखेंगे तो हमारे पास एक चैटिंग ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे जो भी ऑनलाइन है आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी पेजेस है, जैसा कि मेंबर्स पेज है, कम्युनिटी पेज है, आप फोरम्स क्रिएट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे फोरम्स क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल। ओके, सो मुझे लगता है कि ये आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल गया होगा कि कैसे जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं वो कैसा लगता है। और मुझे उम्मीद है आपको ये डेमो वेबसाइट पसंद आया होगा। अगर आप ये वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, सो किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ें कंपलसरी होती है, एक आपका डोमेन नेम और दूसरी होस्टिंग। डोमेन नेम अगर आप देखेंगे आपके वेबसाइट का टाइटल जो होता है, जो URL होता है, जो एड्रेस बार में आप देखेंगे टाइप्ड होता है, वो आपका डोमेन नेम है। जैसे कि GoDaddy.com, Google.com, YouTube.com, Facebook.com, ये सब डिफरेंट डोमेन नेम्स है जो यूज़र टाइप करेगा अपने URL बार में आपके वेबसाइट पे पहुंचने के लिए। तो ये होता है डोमेन नेम, ये बेसिकली आपका एड्रेस होता है, आपका वेब एड्रेस होता है ऑन द इंटरनेट। जब भी कोई आपके एड्रेस पे आना चाहेगा, आपके घर पे जाना चाहेगा, तो आपका एड्रेस टाइप करेगा। ओके, सो
बेसिकली ये होता है। और होस्टिंग ये होता है कि आपके तमाम फाइल्स, आपके पूरे फाइल्स जो भी वेबसाइट के हैं, वो सब वहाँ पर सेव्ड होंगे। जैसा कि अगर आप ये वेबसाइट देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारे मेंबर्स है, इमेजेस है, सब चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक जगह पे सेव्ड है, एक जगह पे, जहाँ जिसे होस्टिंग कहते हैं। बेसिकली वो एक कंप्यूटर होता है जिसमें हार्ड ड्राइव में आपका ये सब डेटा सेव्ड होता है। ये इसलिए होता है कि कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे अगर आपका वेबसाइट देखना चाहे तो वो ऑनलाइन देख सकता है। बिकॉज़ वो होस्टिंग जो होता है, जो कंप्यूटर होती है, वो 24/7 मतलब 24 घंटे चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। उससे अप टाइम सर्वर बोला जाता है, जो उसके लिए आप देखेंगे डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज बताएंगे 99% अप टाइम सर्वर, 99.9% अप टाइम सर्वर, मतलब कि आपका वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगा, हमेशा ऑनलाइन रहेगा। चाहे कोई भी आए, कितने भी टाइम पे देखिए, आपका वेबसाइट हमेशा ऑनलाइन रहेगा। अगर आपके पास डोमेन है बट होस्टिंग नहीं है, मतलब आपका डोमेन तो रहेगा, मतलब आपके वेबसाइट पे yourwebsite.com पे कोई जाएगा, बट होस्टिंग नहीं है तो वो ब्लैंक पेज देखेगा बिकॉज़ कोई डेटा नहीं है। तो कोई भी तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, चाहे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, चाहे आप ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाएं जैसा कि फेसबुक, ट्विटर, या फिर एक बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग, कुछ भी बनाएं, आपको ये दो चीज़ें कंपलसरी है, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करती हैं, बट ये डिसीजन आपको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। बिकॉज़ ये मतलब बहुत ही सीरियस डिसीजन है, ये आपके वेबसाइट को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, टोटली इम्पैक्ट करेगा, और ये चीज़ आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहने वाली है। मतलब हर आजकल में आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपके साथ सालों साल रहने वाली है। और अगर आपका वेबसाइट अच्छा रैंक करता है, अच्छा ट्रैफिक पाता है, तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा वेब होस्टिंग सेलेक्ट करें। अभी मैं आपको बताऊँगा कि अभी के टाइम पर सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन सी है, सबसे बेस्ट, सबसे फास्टेस्ट, सबसे सिक्योर होस्टिंग कौन सी है, जिसकी सपोर्ट सबसे अच्छी है। बेसिकली तीन चीज़ें देखी जाती हैं होस्टिंग को सेलेक्ट करने से पहले, कि उसका सपोर्ट कैसा है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई वेबसाइट में तो आप अगर उनको कांटेक्ट करते हो तो किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, कितने टाइम में रिप्लाई करते हैं आपको। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ ये एक टेक्निकल चीज़ है, कल को आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं तो कितना जल्दी वो रिप्लाई करते हैं आपका। सेकेंड चीज़ देखी जाती है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, परफॉर्मेंस कैसा दे रही है, सो हमें एक हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट होस्टिंग सेलेक्ट करना है। और थर्ड चीज़ देखी जाती है सिक्योरिटी क्या है। आप बहुत बार सुनते हैं कि ये वेबसाइट हैक हो गई, वो वेबसाइट हैक हो गई, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हो गई और हैकर ने क्या क्या डाल दिया। सो ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी होस्टिंग सेलेक्ट करने से पहले कंसिडर करने में। लोग आपको कई तरीके होस्टिंग सेल करने की कोशिश करेंगे, जैसा होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, गोडैडी, बट ये सब दुनिया की सबसे बकवास कंपनियां हैं। और आप देखेंगे अक्सर लोग इसी को आपको सेल करने की, बेचने की कोशिश करेंगे बिकॉज उसमें उनको प्रॉफिट मिलता है, कंपनी की तरफ से उनको पैसा मिलता है, सो करते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो प्रोफेशनल्स जो ये फील्ड में है, मार्केट में है, वो लोग क्या यूज़ करते हैं। और वर्ल्ड की नंबर वन वेबसाइट होस्टिंग कंपनी आज के टाइम पे जो है, मैं आपको बताऊंगा आप उसे कैसे ले सकते हैं और सबसे सस्ते में, प्लस मैं आपको 60% डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा उस पर, ताकि आपका और भी पैसा बच जाए। सो अगर आप वो चाहते हैं तो आप एक नया टैब ओपन करें और अपने URL बार में टाइप करें blogtoot.com/SG। ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, सो आप सिंपली उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे या फिर इस पेज पे आएंगे। ये साइटग्राउंड का पेज है और जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स है, बट ये दुनिया की सबसे बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स है। इनका सपोर्ट US बेस्ड है और आप जानते हैं US में जो भी बेस्ड सपोर्ट होता है वो सुपर ऑसम होता है। आपको कस्टमर सर्विस को वो लोग बहुत ही हाई प्रायोरिटी देते हैं और आपको बहुत ही वैल्यू देंगे। बाकी जो दूसरी कंपनीज है उनमें आप ये नहीं पाएंगे, बिकॉज़ मैंने खुद जब मैंने अपना पहला वेबसाइट बनाया तो मैं होस्टगेटर के साथ था, फिर मैंने कंपनीज चेंज की, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पीड उतनी बेहतर नहीं होती, आपके वेबसाइट हैक होने के चांसेस होते हैं। सो ये अभी के टाइम पे दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, आपको इस पर क्लिक करना है वेब होस्टिंग पे, बिकॉज हमें नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग चाहिए जो स्टार्ट होती है $4 पर मंथ से। सो क्लिक ऑन दिस बटन, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करें। अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ तीन डिफरेंट पैकेजेस है और अभी आपको सेलेक्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट पैकेज कौन सा है।
स्टार्टअप है, ग्रो बिग है और गो गीक है। सो पहला पैकेज अगर आप देखेंगे तो इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आपको 10 GB का वेब स्पेस मिलेगा और ये SSD स्पेस है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर कोई भी बंदा जिसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो जानता है SSD और HDD का डिफरेंस। SSD बहुत ही फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू HDD, बिकॉज SSD में, अगर आप ये नहीं जानते तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक नया टैब फिर ओपन कर सकते हैं और गूगल पे टाइप करें SSD वर्सेस HDD वेब होस्टिंग। आप ये डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इमेजेस पे क्लिक करके फर्स्ट रिजल्ट ओपन कर सकते हैं। अभी आपको कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके सामने एक ग्राफिकल फॉर्म में तमाम चीज़ें दे दी गई हैं। अब यहाँ आप देखेंगे 3 डिफरेंट क्राइटेरिया है, स्पीड, IOPS और लेटेंसी, और इसमें इन्होंने HDD और SSD को कंपेयर किया है। सबसे पहले स्पीड, और अगर आप बॉटम में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हायर इज़ बेटर, मतलब जो ज़्यादा हायर है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर है। सो HDD का स्पीड काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू SSD। SSD अराउंड 10 to 20, समटाइम्स 30 टाइम्स फास्टर होता है नॉर्मल HDD से। सेकेंड है IOPS, और यहाँ भी ये कहता है हायर इज़ बेटर, यानी जो ज़्यादा हायर है वो बेटर है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ तो डिफरेंस अराउंड 100 टाइम्स का डिफरेंस है, 100 गुना ज़्यादा बेहतर है SSD HDD के मुकाबले। और उसके बाद आप देखेंगे तो थर्ड क्राइटेरिया लेटेंसी का है, और इस बार ये बोलता है लोअर इज़ बेटर। सो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है। सो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि SSD और SSD में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर तमाम आपके जो वेबसाइट होस्टेड है वो सब SSD स्पेस पे होस्टेड है, मतलब सुपर फास्ट आपको साइट मिलेगा। और ये वेबसाइट सूटेबल है, ये प्लान सूटेबल है उन लोगों के लिए जिनका वेबसाइट 10,000 मंथली विजिट्स पाएगा, उनके लिए ये प्लान बेहतर है। अगर आपका वेबसाइट ज़्यादा बड़ा होता है तो आपके ये के लिए ये वेबसाइट बेटर है, फिर आपको ये वेबसाइट आपके लिए ये प्लान बेटर है। सो जो बंदा अगर आप उन लोगों में से जो फर्स्ट टाइम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टअप लें, आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करें, पहला देखें आपका वेबसाइट सक्सेस होता है कि नहीं। अगर आपका वेबसाइट सक्सेस होता है, आप कभी भी इन लोगों को मैसेज कर सकते हैं और अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका वेबसाइट और ज़्यादा विजिट्स लाता है, मतलब 25,000 30,000 40,000 50,000 पर मंथ से ज़्यादा आपके लिए विजिट मिल रही है, तो आप फिर और भी अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। बट स्टार्ट आप स्टार्टअप से कर सकते हैं। अभी एक यहाँ पर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर स्टार्टअप में आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और ग्रो बिग और गो गीक में आप मल्टीपल वेबसाइट्स या अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आप आज ये वेबसाइट बना रहे, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सो आप एक वेबसाइट इस पर होस्ट कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपको आज एक ही वेबसाइट बनानी है। कल को अगर 2-4 महीने बाद आपको एक दूसरी वेबसाइट भी बनानी है तो आप उस टाइम इनको कांटेक्ट करके बोल सकते हैं, भाई मेरा प्लान अपग्रेड कर दें आप और मुझे नया वेबसाइट बनाना है। सो आप मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं। सो सपोज आपको 5-6 महीने तक कोई दूसरे वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एटलीस्ट 5-6 महीने तक आप अपना पैसा यहाँ पर बचा सकते हैं। सो आपको मैं रेकमेंड करूँगा स्टार्टअप पे जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे तो अभी 2-3 वेबसाइट बनानी है, या फिर मैं अगर आप एक वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो आपको ग्रो बिग के ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज आपको डिफरेंट क्लाइंट्स रहेंगे। आप सब क्लाइंट्स के वेबसाइट एक सिंगल होस्ट पे, एक सिंगल पैकेज पे होस्ट कर सकते हैं और आपके लिए वो बेटर रहेगा, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं उससे। बट एक नॉर्मल बंदे के लिए स्टार्टअप ज़्यादा बेटर है। सो आपको जो भी प्लान बेटर लगे अपने हिसाब से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हावर करेंगे, अगर अपना माउस कर्सर इसके इस लिंक पे लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ और भी आपको डिटेल में फीचर्स बताए गए, जैसे कि आपको फ्री वेबसाइट बिल्डर मिलेगा, SSD स्पेस जैसा कि मैंने आपको बताया, 30-day मनी बैक गारंटी भी है और ऑटो डेली बैकअप भी है, हर रोज़ आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली बैकअप होगा। आपको फ्री SSLs मिलेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ये SSL सर्टिफिकेट होता है, सिक्योर सॉकेट जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्रोम आपको आपके विजिटर को बताएगा कि आपका वेबसाइट का कनेक्शन सिक्योर है या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। पहले लोग इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बट आज लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चला है और गूगल ने भी एक नया रूल लाया है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई भी वेबसाइट अभी देखेंगे जिस पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है,
तो यहाँ पर लिखा होता है नॉट सिक्योर, और वो वेबसाइट्स पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्लाइंट का, बिकॉज वो सिक्योर वेबसाइट नहीं होती है। सो SSL सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको SSL सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, सी पैनल मिलता है, 24/7 सपोर्ट मिलता है, फ्री ऐप इंस्टॉल जैसे कि वर्डप्रेस, ये सब आप फ्री में ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फ्री ईमेल अकाउंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट नेम है सपोज blogtoot.com, सो आप इंस्टेड ऑफ gmail.com की जगह आप blogtoot.com पे ईमेल बना सकते हैं, लाइक nayyar@blogtoot.com। सो बहुत ही प्रोफेशनल लगता है और आपका एक अलग इमेज बनता है मार्केट में उससे। सो उसके बाद आपको ट्रैफिक भी बहुत बेहतरीन मिल सकती है, और यहाँ पर आपको फ्री क्लाउडफेयर है। सो क्लाउडफेयर बेसिकली यूज़ करते हैं वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, सो वहाँ पर आपको ये मिलता है, और अनलिमिटेड MySQL डेटाबेस भी मिलता है। सो आप ये सब देख के जो भी प्लान आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सब पे 60% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा वो लिंक यूज़ करेंगे जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं रेगुलर प्राइस इसका $20 पर मंथ है, बट आपको मिल रहा है सिर्फ $6 पर मंथ पे वो लिंक यूज़ करने की वजह से। ओके, सो मुझे लगता है मैं इस पे क्लिक करूँगा। अगर आपको स्टार्टअप पे जाना है तो आप स्टार्टअप पे इस बटन पे गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अभी अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन, और यहाँ पर अपना डोमेन नेम डाल सकते हैं। बट मैं गेस कर रहा हूँ कि आपके पास नहीं है, सो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं रजिस्टर अ न्यू डोमेन, और अपना जो भी डोमेन नेम आपको रजिस्टर करना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको nayyarshaikh.com या फिर nayyarshaikh जो भी आपका डोमेन नेम है आप सिंपली यहाँ डाल के फिर डोमेन एक्सटेंशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशन अवेलेबल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप .com के साथ ही रहें। अगर आप एक कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कंट्री स्पेसिफिक डोमेन एक्सटेंशन के साथ भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के लिए बना रहे हैं तो आप .in भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप .com के साथ जाए, बिकॉज नॉर्मली जब भी एक बंदे के साथ दिमाग में वेबसाइट के बारे में आता है तो .com ही एक्सपेक्ट करता है। सो आप जो भी आपका डोमेन नेम आपको पसंद है आप डोमेन नेम डाल के यहाँ पर एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालना है। सो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप डालें, उसके बाद एक पासवर्ड चूज़ करना है। सो मैं एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद सेम पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड में आप डालें। उसके बाद आपको यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप अपना फ़र्स्ट नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, सो मैं अपना फ़र्स्ट नेम डाल रहा हूँ, फिर अपना लास्ट नेम, सो nayyarshaikh। आपके अगर कंपनी का कोई नेम है तो आप डाल सकते हैं, वैट नंबर ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कंपनी नेम और ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है और कंपलसरी भी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिटी पे जाएं और सिटी पे मुंबई या फिर जो भी आपकी सिटी है वहाँ टाइप करें और अपना सिटी एड्रेस टाइप करें। सो मैं पूरा एड्रेस तो नहीं टाइप करूँगा, सिंपली मुंबई टाइप करूँगा, और आपका जो भी जिप कोड है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर भी डालिए यहाँ पर, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो तो ये लोग आपको डायरेक्टली मैसेज कर सके। फिर यहाँ पर आपको अपना कार्ड डिटेल्स डालना है जिससे आप पेमेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि यहाँ पर सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड है। मोस्टली मैंने देखा है इंडिया में लोगों के पास रुपे कार्ड होता है जो आजकल बहुत चल रहा है, बिकॉज वो इंडियन कार्ड है, सो गवर्नमेंट आपको ज़बरदस्ती रुपे कार्ड ही दे रही है। अगर आपको मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड चाहिए तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपके पास अगर जूना अकाउंट है या फिर बहुत ही पुराना अकाउंट है तो आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड होगा, बिकॉज पहले यही दो कार्ड मिलते थे, बट जब से रुपे कार्ड आया है तो लोगों को ये मिलता है। बट यू नो रुपे कार्ड उतना बेहतर नहीं है, स्पेशली अगर आप ये टाइप के काम करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनली कोई भी कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है अभी के टाइम पे। इन फ्यूचर एक्सेप्ट कर सकती है मुझे नहीं पता, बट एट प्रेजेंट कोई कंपनी इंटरनेशनल कंपनी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी वीज़ा और मास्टर कार्ड ही एक्सेप्टेड है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास है, अगर आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स के पास है तो आप उनके कार्ड से ये पेमेंट कर सकते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड से। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली जाए अपने बैंक में, एक सिंपल सा फॉर्म मिलेगा उसको फिल करें, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको अपना कार्ड मिल जाएगा। सो अपना कार्ड डिटेल्स यहाँ पर डालें, जो भी आपके कार्ड डिटेल्स है, उसके बाद अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी ईयर डालें जो भी है, उसके बाद अपना CVV नंबर डालें और कार्ड नेम यहाँ पर डालें।
फिर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपका प्लान कौन सा है। सो आप हमने स्टार्टअप प्लान सेलेक्ट किया है और डेटा सेंटर में सिंगापुर इंडियंस के लिए ज़्यादा बेटर है बिकॉज वो सबसे नज़दीकी डेटा सेंटर है हमारे लिए, और जितना नज़दीकी डेटा सेंटर होता है उतना बेटर होता है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि पीरियड में 12 मंथ सेलेक्टेड है। मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 12 मंथ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24-36 मंथ्स से ज़्यादा बेटर है 12 मंथ। बाद में अगर आपको कुछ अपग्रेड करना है तो आप देख सकते हैं, बट 12 मंथ ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर चाहिए, डोमेन प्राइवेसी, HD साइट स्कैनर, सो ये हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, सो आप इसे टिक मार्क ना करें। इसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा बट इसकी ज़रूरत नहीं है, सो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद इन दोनों चीज़ों पे टिक मार्क करके और पे नाउ करें। जैसे ही आप वो पेमेंट कर देंगे तो आपको इस लिंक पे आना है, ua.siteground.com। ओके, सो ये लिंक आपका एडमिन लिंक है। जब भी आपको सी पैनल पे जाना होगा आपको ये लिंक टाइप करना पड़ेगा, ua.siteground.com, जैसा कि आप यहाँ पर URL बार में देख सकते हैं। और यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है जो आपने लास्ट पेज में डाला था, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और साइन इन पे क्लिक करें। ओके, सो ये हमारा मेन एरिया है। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस टैब पर, माय अकाउंट्स वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस बटन पे क्लिक करना है, जो भी आपने डोमेन सेलेक्ट किया आपको वो डोमेन यहाँ पर नज़र आएगा। सो जो भी आपने डोमेन सेलेक्ट किया होगा वो फर्स्ट पेज में आपको डोमेन यहाँ पर नज़र आएगा। आप सिंपली एडमिन पैनल पे जा सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमको फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस कैसा इंस्टॉल करते हैं। सो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, गो टू सी पैनल, फिर आपको पूछेगा अगर आप इसे सिक्योरली एक्सेस करना चाहते हैं तो ठीक है, टिक मार्क कर रहने दें और सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करें। सो ये हमारा सी पैनल है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मोस्टली हर कंपनी का सी पैनल एक ही जैसा होता है, डिज़ाइन हल्का सा डिफरेंस होता है बट ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है जो आप देख सकते हैं, SSL सर्टिफिकेट। सो उसके लिए आप सबसे बॉटम में जाए और अंडर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर जो सिक्योरिटी का टैब है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, लेट्स इनक्रिप्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने पहले ही SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया है इन डोमेन्स पे, बट अगर आपने नहीं किया है तो सिंपली यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट करें। ओके, यहाँ पर आपने डोमेन सेलेक्ट किया, उसके बाद ये सेलेक्ट करें, लेट्स एनक्रिप्ट SSL और इंस्टॉल पे क्लिक करें। सो यहाँ पर आपको मैसेज आया कि सक्सेसफुली डन, ओके क्लिक करें। अभी आपको यहाँ पर वो लिस्ट में तुरंत ही नहीं दिखाएगा, आपको थोड़ा 2-3 बार ये पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा देखने के लिए, और बेसिकली 2-3 मिनट लगते हैं इसको शो करने में, SSL सर्टिफिकेट को शो करने में। जैसे ही आपका डोमेन यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा इसका मतलब है कि आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 2 मिनट बाद मेरा ये डोमेन भी अभी यहाँ पर शो कर रहा है और मेरा अभी वो ऑप्शन ख़त्म हो गया बिकॉज सब डोमेन पर अभी SSL सर्टिफिकेट आ चुका है। सो वो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक्टिव है, मतलब आपके साइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको फिर से ये बटन पे क्लिक करना है, सी पैनल होम पे, और अभी आप बॉटम पे आ जाए और यहाँ पर वर्डप्रेस टूल्स के अंडर में आपको ये दिखेगा वर्डप्रेस इंस्टॉलर, उस पर क्लिक करें। अभी हमें अपने वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सो आप सिंपली इधर इंस्टॉल पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से HTTPS वाला सेलेक्ट करें जो SSL सर्टिफिकेट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एस यू कैन सी आपको यहाँ भी दिखा रहा है S वाला सेलेक्ट करें। दो ऑप्शन होते हैं, HTTP और एक होता है HTTPS, जो S का एक्सटेंशन होता है उसके साथ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है जिसपे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। बेसिकली अगर आप फर्स्ट टाइम अपना वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक ही डोमेन दिखेगा, सो डोमेन सेलेक्ट करें। फिर आप नीचे आए यहाँ पर और आपको साइट सेटिंग्स दिखेंगी। इस साइट सेटिंग में बेसिकली आपको अपने साइट का या फिर कंपनी का नाम डालना है। सो मैं यहाँ पर थ्राइव डालूंगा बिकॉज ये थीम है जो हम यूज़ करने वाले, थ्राइव ट्यूटोरियल डालूंगा। और यहाँ पर आपके साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने वेबसाइट या फिर बिजनेस के बारे में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके बिजनेस का कोई टैगलाइन है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, सो मैं बेसिकली डालता हूँ थ्राइव ट्यूटोरियल बाय नयश शेख। यहाँ पर अभी आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना है, सो आप जैसा भी चाहें वैसा यूज़र नेम रख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा डिफ़िकल्ट रखें ताकि कोई चाहे भी तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड गेस नहीं कर सके, गेस करके लॉगिन नहीं कर सके।
सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा है अपने नाम का, फिर सब स्मॉल रखा है, फिर एक डैश डाला है बीच में, फिर एक कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर। सो आप देख सकते हैं मैंने एक डैश का भी इस्तेमाल किया, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का भी इस्तेमाल किया। सो आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं, अगर आप नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जस्ट मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर एंड गेस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, ये पासवर्ड भी आपको स्ट्रांग डालना है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर है, एट द रेट ऑफ है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो। अगर आप कोई भी नंबर डालेंगे यहाँ पर सो ये दिखाएगा कि बहुत ही वीक पासवर्ड है और आपको कोई स्ट्रांग पासवर्ड डालना पड़ेगा। अभी ये नंबर के साथ अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर देंगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। सो वर्ड प्लस नंबर का पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको हाइड करके अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके सो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। सो ये ईमेल एड्रेस को डिलीट करके आपका जो ईमेल एड्रेस है वो डालें, ताकि जो भी आपके वेबसाइट से रिलेटेड थिंग है आपको इस ईमेल एड्रेस पे मिल जाए, इसके यूज़र नेम पासवर्ड, और कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ये ईमेल एड्रेस आपको काम आएगी आपके वेबसाइट को रिकवरी करने पे। सो ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर चेंज करें, फिर बॉटम में आके आपको ये इंस्टॉल बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और आप इसे सेव कर सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप चाहें तो क्रोम में सेव कर सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो वर्डप्रेस आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रहा है, ये बोलता है कि 3 से 4 मिनट लगेगा, बट बेसिकली कुछ सेकंड्स में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नॉर्मली। बट अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो शायद 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, बट नॉर्मली 1 मिनट के अंदर में ये सब हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो जब आपके वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा आपको 2 लिंक मिलेंगे। फर्स्ट लिंक तो सिंपली आपका वेबसाइट लिंक है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे सो ये है आपका वेबसाइट। और सेकेंड लिंक अगर आप देखेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड लिंक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली और सीधे अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे, ये आपका डैशबोर्ड है। जब भी आप अपने डैशबोर्ड पर आना चाहेंगे तो सिंपली अपना वेबसाइट नेम या फिर डोमेन नेम टाइप करें, उसके बाद ये टाइप करें /wp-admin। ओके सो ये टाइप करेंगे तो आप अपने इस पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पेज पे आ जाएंगे। ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम अपने वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको कोई पेज क्रिएट करना है, पोस्ट क्रिएट करना है, प्रोडक्ट्स क्रिएट करना है, या फिर कुछ डिलीट करना है, कॉमेंट मॉडरेट करना है, कोई आपके वेबसाइट पर कुछ स्पैम कॉमेंट डाल दिया आपको उसे डिलीट करना है, तो सब तमाम चीज़ें हम यहाँ से करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, ये रिमेंबर करें आप, अपने याद रखें वेबसाइट नेम के बाद wp-admin डाल के आप इस पेज पे आ सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा वेबसाइट एट प्रेजेंट बहुत ही भद्दा लग रहा है, ये है डिफ़ॉल्ट वेबसाइट जो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट स्टाइल देता है। अभी हमें इसका स्टाइल और इसके फंक्शंस चेंज करने हैं, हमें इसको इस जैसा वेबसाइट बनाना है एग्जैक्टली सेम। सबसे पहले आप फिर अपने डैशबोर्ड पे आ जाए और मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, बेसिक चीज़ें जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेंगी, ये सब ऑप्शन है, बेसिक ऑप्शन है। जैसा कि अगर आपको पोस्ट क्रिएट करना है तो आप पोस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप उस पर हावर करेंगे या मतलब अपना माउस कर्सर उस पर लेके जाएंगे, आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। पेज क्रिएट करना है तो आप पेज पर हावर करके पेज के ऊपर अपना कर्सर लेके जाके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। सो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करना है, तो उसके लिए हम सेटिंग्स पे हावर करेंगे और परमालिंक्स जो आपको यहाँ दिखेगा सेकेंड लास्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस पे डे एंड नेम वाला परमालिंक सेलेक्टेड होता है, बट हमें पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। सो आप यहाँ से पोस्ट नेम को सेलेक्ट करें और बॉटम में जाके सेव चेंजेस कर दें। इससे आपके वेबसाइट पर कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, बट आपका जो URL बार है उससे ये उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और ये सबसे SEO फ्रेंडली स्ट्रक्चर है जो आपको हेल्प करेगा गूगल पे हायर रैंकिंग देने के लिए। अभी उसके बाद हमें सेकेंड चीज़ करना है, ये अपीयरेंसेस पे क्लिक करना है। सो अपीयरेंसेस पे क्लिक करें, यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिफरेंट थीम्स है, और अगर आप नए हैं वर्डप्रेस पे, अगर आप पहला वर्डप्रेस ट्यूटोरियल देख रहे हैं या फिर आपको अगर वर्डप्रेस के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, बेसिकली थीम डिज़ाइन होता है वेबसाइट का। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2017 थीम एट प्रेजेंट एक्टिवेट है, और यहाँ आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, हमारा भी वेबसाइट एग्जैक्टली सेम लग रहा है बिकॉज ये सेम थीम यूज़ कर रहा है। अगर आपको ऐसा वेबसाइट चाहिए तो आप ये थीम यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा वेबसाइट चाहिए तो ये थीम यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर आपको थीम का डिज़ाइन चेंज करना है तो आप इस टाइप के वेबसाइट्स को और थीम को चेंज कर सकते हैं। अभी आप हमारा डेमो वेबसाइट देखेंगे तो ये इस तरह दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, एकदम ही प्रोफेशनली मेड है। सो हमें इसका डिज़ाइन चेंज करना होगा। तो सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा थीम्स है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं, उसे डिलीट कर देंगे ताकि हमारे पास कुछ खाली स्पेस रहे और हमारा वेबसाइट फास्ट रहे। बिकॉज़ आपको जो भी स्पेस जो नॉट नीडेड नॉट रिक्वायर्ड स्पेस है उसको फिल करके रखेंगे तो आपके वेबसाइट के स्पीड और परफॉर्मेंस पे कुछ असर पड़ सकता है। अभी ये थीम हमें डाउनलोड करना होगा जिससे हमारा वेबसाइट ऐसा लगने लगे, हमारा वेबसाइट का डिज़ाइन ऐसा हो जाए। तो उसके लिए आप एक नया टैब ओपन करके ये टाइप कर सकते हैं blogtoo.com/thrive, और ये लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। सो सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ये थीम हमें डाउनलोड करना है। ये एक प्रीमियम थीम है, बेसिकली जो स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट है उनके लिए हमें प्रीमियम थीम ही यूज़ करना पड़ता है। ये अराउंड $67 का है। जो नॉर्मली जो थीम्स होते हैं, जो ये जैसे ये थीम आपको दिख रहा है ये फ्री थीम है, बट ये बहुत ही भद्दा थीम है और इसमें कोई भी फंक्शनैलिटीज नहीं है। ये प्रीमियम थीम है, इसके साथ आपको बहुत सारी प्रीमियम प्लगइन्स जो आपको अगर आप ख़रीदने जाएंगे इंडिविजुअली अलग से ख़रीदने जाएंगे तो आपको तकरीबन $200-$300 यानी 15,000-20,000 के वो प्लगइन्स पड़ेंगे, बट आपको वो सब प्लगइन्स ये वेबसाइट के साथ ये थीम के साथ फ्री मिलते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो हमें ये आपको ये थीम इंस्टॉल करना है। सो आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके ये थीम को परचेस करना है। जैसे ही आप ये थीम को परचेस करेंगे आपको एक ऐसा फाइल मिलेगा जो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, ये एक zip फाइल है। अगर आपको zip फाइल अगर आपके वेबसाइट पे अगर आपके कंप्यूटर पे नहीं ओपन हो रहा है तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है WinRAR करके, आप गूगल पे जाके वो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एज यू कैन सी ये ऑप्शन है WinRAR, ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, आप सिंपली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली हर कंप्यूटर में होता ही होता है, तो भी अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे पास zip फाइल है। सो आपको ये फाइल इंस्टॉल नहीं करनी है या फिर अपलोड नहीं करनी है। सबसे पहले मैं एक दूसरा फाइल डिलीट कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको अनजिप करना है। सो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओके करें। सो अभी ये जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अनजिप हो रहा है। अभी आप देखेंगे ये एक नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है और उसका भी नाम सेम है, दोनों का नेम बिल्कुल सेम है। सो ये उसका अनजिप्ड वर्जन है। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें इस फोल्डर को ओपन करना है। अभी इसमें दो और फोल्डर्स है। सो ये फोल्डर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये सब थीम्स के फाइल्स है। सो हमें पीछे जाके ये फोल्डर को zip फोल्डर में कन्वर्ट करना है, zip फाइल में। सो बहुत ही ईजी है, सिंपली इस पर राइट क्लिक करें और ऐड टू आर्काइव का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से zip सेलेक्ट करें और ओके कर दें। अभी ये फोल्डर zip फाइल हो चुका है और अभी हमें ये फाइल को हमारे वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। सो बहुत ही ईजी है, आप सिंपली अपने डैशबोर्ड पे जाएं और ऐड न्यू का जो बटन टॉप पर है उस पर क्लिक करें। उसके बाद फिर आपको अपलोड थीम का बटन करना है और उसके बाद चूज़ फाइल करके आप जो भी आपका जो फाइल था आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सो हमारा फाइल यहाँ पर था इस फोल्डर में। सो इस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करें और अभी आपको ये फाइल का नाम यहाँ पर दिखेगा, अभी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। सो आपका फाइल इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्राउज़र के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे सो आपको दिखेगा कि कितना परसेंट इंस्टॉल हुआ है। सो अभी ये लोड हो रहा है। सो हमारा थीम सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, अभी हमें उसे एक्टिवेट करना है। सो ये एक्टिवेट बटन पे क्लिक करें। ओके, सो अभी हमारा थीम सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड हो गया है। अभी आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयरेंसेस के अंडर में अभी दो तीन नए ऑप्शन आए हैं, उसमें से एक ये ऑप्शन है सेटअप विजर्ड, उस ऑप्शन पे क्लिक करें, आपको ये सा पेज दिखेगा। अभी हमें इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है सो हम ये सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत सारे प्रीमियम प्लगइन्स हैं जो आपको ख़रीदने पड़ेंगे, बट ये सब इसके साथ फ्री आ रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं। सो हमें एक एक करके इंस्टॉल नहीं करना है, वो बहुत टाइम ले लेगा। सो आपको एक एक करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को टिक मार्क कर देगा और बल्क एक्शन से इंस्टॉल को सेलेक्ट करके अप्लाई करें। अभी आपके पूरे प्लगइन्स एक एक करके इंस्टॉल होना ऑटोमेटिकली चालू कर देंगे। सो आपको एक एक पे इंस्टॉल बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे तमाम जो प्लगइन्स थे इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हमको इन सब को एक्टिवेट करना है। सो आपको बॉटम में ये लिंक मिलेगा, रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, उस पर क्लिक करें। अभी फिर से हमें यही पेज पे आना है और अभी इस बार टिक मार्क करके हमें बल्क एक्शन से एक्टिवेट सेलेक्ट करना है। सो उसे सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करें। कभी कभी ऐसा होगा जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ है कि आपका इंस्टॉलेशन पेज रुक गया है और आपको ऐसा एक ब्लैंक पेज दिखेगा। सो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सिंपली प्लगइन्स पे क्लिक कर सकते हैं और हम यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं उन प्लगइन्स को। अभी आपको कुछ चीज़ें पूछेंगे, जैसा मुझे एक पॉपअप आया है अगर आप अलाउ इन कंटिन्यू करना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप सिंपली इसे स्किप कर सकते हैं। अभी आपको नए नए स्क्रीन्स दिखना चालू होंगे बिकॉज हमने बहुत सारे नए प्लगइन्स डाउनलोड किए हैं। सो अभी फिर से हमको प्लगइन्स पे क्लिक करना है बिकॉज हमारे कई प्लगइन्स अभी एक्टिवेट नहीं है। देखिए अभी ये पेज पे हम आ गए हैं। अभी यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट करने से पहले अभी मैं चाहूँगा आप कुछ प्लगइन्स को डिलीट कर दें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये एकिस्मेट एंटी स्पैम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है बट इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, सो इसे डिलीट कर दें। फिर हेलो डॉली की भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी डिलीट कर दें। और उसके बाद इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दें, जेट पैक बाय वर्डप्रेस डॉट कॉम को। सो इसे डीएक्टिवेट करें और उसके बाद इसे डिलीट कर दें। सो इन प्लगइन्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे कुछ प्लगइन्स है जो अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है, सो आप इस पर टिक मार्क करें, बल्क एक्शन से एक्टिवेट सेलेक्ट करके अप्लाई कर दें। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे अभी देखेंगे फिर से नया स्क्रीन आएगा, कई सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको नोटिसेस आएंगे। सिंपली सबको कट कर दे, कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिंपली सबको क्लिक कर दे। ये भी आपको जो रिपेयर का पूछ रहा है ये भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। सो अभी आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो ये सब आपको नोटिसेस है, सबको आप सिंपली रिजेक्ट कर दें। अभी आप अपने वेबसाइट पे आके इसे रिफ्रेश करें। अभी आप देखेंगे आपका वेबसाइट टोटली चेंज हो गया बिकॉज हमने नए थीम्स और नए प्लगइन्स अपलोड कर लिए हैं और अभी ये काफ़ी हद तक एग्जैक्टली इस हमारे डेमो वेबसाइट के जैसा दिखना शुरू हो गया है। सो हमारा आधा काम यही पूरा हो गया है। अभी बाकी छोटे मोटे काम बचे हैं जैसे कि पेजेस क्रिएट करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके सो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ, मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ डेमो वेबसाइट से और आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे ही अगर फर्स्ट अभी मैं इसे कट कर देता हूँ, मैं भी डेमो वेबसाइट पर जाता हूँ। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं डेमो वेबसाइट पर जाने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे बोलता है कि फर्स्ट आपको लॉगिन करना पड़ेगा या फिर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं कहीं भी क्लिक करूँ, किस पेज पे भी जाने की कोशिश करूँ, बार बार मुझे ये पेज पे ही रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। सो ये ऑप्शन मैंने बेसिकली सेट किया है ताकि कोई भी बंदा आके किसी को भी कोई भी मेम्बर से चैटिंग नहीं शुरू कर दे और कुछ भी नहीं कर दे। फर्स्ट वो उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वेबसाइट पर एंटर कर सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमें ये सेटिंग करना पड़ेगा कि कोई भी बंदा आके हमारा वेबसाइट यूज़ करना शुरू नहीं कर दे। सो हमें सबसे पहले ये पेज क्रिएट करना होगा, अकाउंट साइन इन का पेज, जो हर बंदे को ये अकाउंट साइन इन के लिए पूछेगा कि आप पहले रजिस्टर करें या फिर साइन इन करें, उसके बाद ही आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आप अपने डैशबोर्ड पर आके लेफ्ट हैंड साइड से पेजेस पे हावर करके पेजेस के ऊपर अपना कर्सर लेके जाके ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं नया पेज ऐड करने के लिए। ये सब पे आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैं इसे साइन इन का टाइटल दे देता हूँ। ओके सो सिंपली कोई भी नेम या फिर टाइटल इसे दे दें और पब्लिश पे क्लिक कर, जो आपके राइट हैंड साइड में पब्लिश है इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, पेज पब्लिश्ड, यू कैन व्यू दिस पेज। सो अभी आप इस व्यू पेज के लिंक को नए टैब में ओपन करें। सो उस पर राइट क्लिक करें और ये सेलेक्ट करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अभी आपको ये पेज कुछ ऐसा नज़र आएगा, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें टोटली डिफरेंट चाहिए। अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ ये साइड बार्स हैं, डिफरेंट ऑप्शन है, हमें ये साइड बार नहीं चाहिए बिकॉज आप अगर यहाँ देखेंगे हमारा ब्लैंक पेज है, कम्प्लीट ब्लैंक पेज है, कोई साइड बार नहीं है। सो हमें फर्स्ट ये साइड बार हटाना पड़ेगा यहाँ से और उसके बाद ये सब भी हटाना पड़ेगा, टाइटल साइन इन ये सब, वो सब हमारे पास वो भी नहीं है, ब्लैंक पेज है। सो अगर आपको ये टाइटल हटाना है, साइड बार हटाना है, सो आप अगर आप ये पेज पे आएंगे अपने डैशबोर्ड पे,
यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले पेज एट्रीब्यूट के अंदर में आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप डैशबोर्ड कैनवस सेलेक्ट कर ले। कैनवस मतलब आपको कंप्लीट ब्लैंक पेज मिल जाएगा। और अभी हमें साइड बार हटाना है तो यहाँ पेज लेआउट से फुल विड्थ कर दे, फुल विड्थ स्लैश नो साइड बार। सो साइड बार हट जाएगा और कैनवस सेलेक्ट करने से ये जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, आपका टाइटल, ये सब एक्स्ट्रा स्पेस, ये सब हट जाएंगी। सो ये दो सेलेक्ट करके अपडेट करें, अपडेट पे क्लिक करें, आपके जो सेटिंग्स अभी जो आपने किए वो अपडेट हो जाएगा। अभी आप ये पेज पे फिर से आके इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे साइड बार भी चला गया और वो सब चीज़ें भी चली गई। अभी इसके बाद हम आगे का काम कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हमें ये फॉर्म यहाँ पर ऐड करना है। ओके, सो ये फॉर्म आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। हमें सिंपली उसका कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है ताकि वो फॉर्म यहाँ पर शो करे। सो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको ये सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स पे हावर करेंगे तो आपको सबवे ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को नए टैब में ओपन करें। सो ये ऑप्शन है, यही वो प्लगइन है जो आपके वेबसाइट को प्राइवेट बनाती है, ये सबवे ऑप्शन। सो यहाँ आपको लॉगिन पेज सेलेक्ट करना है और हमने लॉगिन पेज क्रिएट किया, साइन इन पेज। सो ये साइन इन और यहाँ से सेलेक्ट कर ले जो पेज हमने अभी क्रिएट किया है ना। अब जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे, जो भी बंदा अभी आपके वेबसाइट पे जो रजिस्टर या फिर साइन इन नहीं होगा, लॉग्ड इन नहीं होगा, आपके वेबसाइट पे आने की कोशिश करेगा, आपको ये आप उसको ये पेज दिखेगा। ओके, और अभी आपको अगर वो फॉर्म चाहिए, जो ये फॉर्म हम यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, सो ये फॉर्म के लिए आप सिंपली इसे कॉपी कर ले, ये शॉर्टकट को कॉपी कर ले, जो सबवे लॉगिन का शॉर्टकट है उसे कॉपी करके इस पेज पे आए और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे बैक एंड एडिटर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बिकॉज इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। पहले क्या होता था, आपको वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS पे कोड लिखना पड़ता था। सो यहाँ टेक्स्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को ऐसा करना पड़ता था, HTML CSS, और वो सब काफ़ी बोरिंग चीज़ थी। उसके बाद फिर विजुअल फॉर्म आया, जैसा कि आप ये ऑप्शन देख सकते हैं विजुअल। उसके बाद आप सिंपली, आपको जैसा अभी मेरा नाम है, इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आपको स्टाइलिंग डालने की ज़रूरत नहीं, H1 H2 करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्म यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ का फॉन्ट साइज सब चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके ओके, एज़ यू कैन सी यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया। बट अभी इसका भी ज़माना चला गया, ये भी चीज़ जूनी हो गई। अभी इसके जगह एक नया चीज़ आया जिसे कहते हैं पेज बिल्डर। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैक एंड एडिटर पेज बिल्डर का, उस पर क्लिक करें बैक एंड एडिटर पे, और सबसे पहले इस चीज़ पे क्लिक करें ऐड एलिमेंट पे। अभी आपको बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जो आप इस जिसको यूज़ करके अपने पेज को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि अगर आपको बटन ऐड करना है तो आप बटन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ऐड करना है, वीडियो प्लेयर ऐड करना है इस पेज पे, वीडियो प्लेयर का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस पेज पे गूगल मैप ऐड करना है, आप गूगल मैप का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें टेक्स्ट ऐड करना है जो शॉर्ट कोड हमने कॉपी किया है, तो हम सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। सो इसे सेलेक्ट करें। अभी हमारे पास ये डमी टेक्स्ट है पहले से, सो हमें पहले से डिलीट करना है और जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी आप इसे सेव चेंजेस कर सकते हैं। चलिए इसे अब अपडेट कर देते हैं इस पेज को। अभी यहाँ पर आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि यू आर करेंटली लॉग्ड इन, हमें वो पेज नहीं दिख रहा है। सो ये इस वेबसाइट की खासियत है, हमें वो पेज इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज हम ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन है, दैट्स वाई। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस पेज के लिंक को कॉपी करता हूँ और इसे नए इनकॉग्निटो विंडो में खोलता हूँ। सो आप यहाँ पर क्लिक करके न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें ये चीज़ दिख रही है, ये फॉर्म दिख रहा है। ओके, सो चलिए अभी यहाँ से चेंजेस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म बहुत ही बड़ा है, हमें इसे लेफ्ट एंड राइट में सम गैप देना पड़ेगा, जैसा कि हमारे डेमो वेबसाइट में है आप देख सकते हैं। ये फॉर्म काफ़ी छोटा है, लेफ्ट एंड राइट में काफ़ी गैप है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। सो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट यहाँ पर बिकॉज डेमो वेबसाइट में ब्लैक है सो हम ब्लैक करेंगे। और टॉप पे आप कुछ टाइटल और सब टाइटल भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हमें लेफ्ट एंड राइट में कुछ गैप ऐड करना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको ये ऑप्शन मिलेगा, मेरे माउस को आप फॉलो कर सकते हैं आप, जब ये कॉलम्स का ऑप्शन है
आप इसके ऊपर हावर करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1/4 + 1/2 + 1/4, इसे सेलेक्ट करें। अभी आपका जो टेक्स्ट एलिमेंट है इस पर सिंपली क्लिक करके इसे यहाँ लेके आए बीच में, बिकॉज हम अभी फॉर्म को बीच में डिस्प्ले करना चाहते हैं और ये जो दोनों कॉलम है ये गैप हो जाएगा। सो 1/4 यानी 1/4 पेज का हिस्सा ब्लैंक रहेगा लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, और बीच का हाफ पोर्शन 1/2 पोर्शन इसमें हम ये फॉर्म डिस्प्ले करेंगे। ओके, और अगर आपको ये फॉर्म के ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इस सिंपली प्लस बटन को ऐड कर सकते हैं, फिर से टेक्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी चाहे यहाँ टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नई वेबसाइट में अगर इधर टाइप करना चाहूँगा सो मैं ये टाइप कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे सेंटर अलाइन करना है तो मैं इधर इस बटन पर क्लिक करके इसे सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं हेडिंग 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ और सेव चेंजेस कर सकता हूँ। अभी मुझे ये टाइटल फॉर्म के ऊपर चाहिए, सो मुझे मैं ये टाइटल को फॉर्म के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। ओके, तो चलिए अभी पहले इतना चेंजेस करते हैं और अपडेट करते हैं और देखते हैं अभी हमारा पेज कैसा लग रहा है। सो फिर से उस इनकॉग्निटो विंडो पे जाके आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे काफ़ी बेटर लग रहा है, ये फॉर्म भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। गैप है बोथ लेफ्ट हैंड साइड और एंड राइट हैंड साइड, और टॉप पे आपको जो आपने टाइटल रखा है वो भी आपको मिल गया। अभी चलिए बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करते हैं। सो यहाँ पर फिर से आ जाइए अपने पेज पे। अभी हमें पूरा सेक्शन का बैकग्राउंड ब्लैक करना है। अगर आपको सिर्फ ये फॉर्म का बैकग्राउंड ब्लैक करना होता, जो ये फॉर्म है, तो आप इसको यूज़ करते कॉलम को, इस पेंसिल बटन को। अगर आपको सिर्फ ये पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन ब्लैंक है उसे ब्लैक करना होता या फिर उस पर कुछ भी चेंजेस करना होता तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते। और एक ऑप्शन सबसे टॉप पे है रो का ऑप्शन, सो हमें ये ऑप्शन यूज़ करना है। जब हम ये ऑप्शन पे चेंज करेंगे सो एक कम्प्लीट सेक्शन, बिकॉज ये कम्प्लीट रो है और इसी के अंदर ये डिफरेंट सेक्शंस है, सो हमें ये कम्प्लीट रो को ब्लैक करना है। ओके, सो यहाँ पर आके आप इस पेंसिल बटन को क्लिक कर सकते हैं, एडिट दिस रो कर सकते हैं, फिर आप डिज़ाइन ऑप्शन पे जाएं और बैकग्राउंड कलर्स पे ब्लैक सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ओके, सो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करें, ब्लैक करें। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ इमेज डालना है तो आप इस पर क्लिक करके प्लस दबा के जो भी इमेज है आप उसे अपलोड करके चालू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेव चेंजेस कर देते हैं, फिर से अपडेट करते हैं, फिर से इनकॉग्निटो विंडो पे जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे पूरा चेंजेस हो गया, ब्लैक हो गया, बट यहाँ पर अभी दो प्रॉब्लम हो गई। फर्स्ट, हमारा टाइटल गायब हो गया बिकॉज उसका कलर ब्लैक था, सो हमें उसका कलर चेंज करना होगा। और सेकेंड, यहाँ पर बॉटम में थोड़ा गैप है, हमें ये गैप नहीं चाहिए, हमें इसको भी ब्लैक करना है। तो ये दो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं। मैं जानबूझ के एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। मैं चाहता तो पहली बार ही सब चीज़ कर देता, बट आपको समझ में नहीं आता मैंने ये रो को ब्लैक क्यों किया, फिर मैंने ये क्यों किया। सो मैं चाह रहा हूँ कि हर बार मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ तो आपको एक एक स्टेप समझ में आए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ओके, जैसा कि अभी हमें, मैं अगर डायरेक्ट ऑप्शन कर देता और ये गैप हट जाता तो, बट आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में। ओके, सो अभी इसका कलर चेंज करते हैं और एक गैप को हटाते हैं। सो फिर से यहाँ पर आ जाएं, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करें। अभी अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट कलर में से आप वाइट सेलेक्ट कर लें और सेव चेंजेस कर दें। सो अभी वो वाइट हो गया। अभी अगर आपको गैप नीचे से हटाना है फिर से पेंसिल बटन पर क्लिक करें और आपको ये ऑप्शन मिलेगा फुल हाइट रो, इसे येस कर दें। इससे क्या होगा कि हमारा हाइट जो भी गैप है बीच का सब कंप्लीट हो जाएगा और फुल हाइट हो जाएगा। सो इसे येस करके सेव चेंजेस करके अपडेट कर दे पेज। अभी फिर से इस पेज पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है। टाइटल है हमारे पास, फॉर्म है हमारे पास, और हमारा गैप भी चला गया। सो ये हमारा साइन इन पेज था। अभी इसके बाद हमें ऑप्शन सेट करना है कि अगर बंदा साइन इन कर दे यहाँ पर, उसके बाद वो कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। जैसा कि अगर आप देखेंगे अभी मैं अगर यहाँ पर अपने वेबसाइट पे साइन इन करता हूँ तो अभी मुझे ये अपने आप रीडायरेक्ट कर देगा। अभी आप देखेंगे मुझे इसने इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। सो हमें अभी ये पेज क्रिएट करना पड़ेगा और ये ऑप्शन सेट करना पड़ेगा कि जैसे ही बंदा साइन इन करे उसे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। ओके, सो सबसे पहले एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं जिस पे वो रीडायरेक्ट हो। सो आप कहीं कई तरीके हैं पेज ऐड करने के, जैसा मैंने आपको दिखाया। एक तो जब आप पेजेस पे हावर करेंगे सो आप ऐड न्यू पे क्रिएट कर सकते हैं, फिर इस ऐड न्यू बटन पे भी क्लिक करके नया पेज क्रिएट कर सकते हैं,
और ये टॉप पे आपको ये प्लस न्यू का जो ऑप्शन है इस पर हावर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, नया पोस्ट, न्यू मीडिया, न्यू पेज, न्यू फोरम क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ से भी ऐड न्यू करके पेज आप नया क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे इस पेज को टाइटल डैशबोर्ड देना है। ओके, ये हमारा डैशबोर्ड पेज होगा और यहाँ पर आपको टेम्पलेट में डैशबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पब्लिश करना है। चलिए देखते हैं अभी हमारा पेज कैसा लग रहा है। सो व्यू पेज पे करते हैं, ब्लैंक पेज, ठीक है। अभी ये सब सेटिंग को हटाते हैं, साइन इन को यहाँ से इसको भी हटाते हैं। ओके, ये हमारा डेमो वेबसाइट है, सो इसे रहने देते हैं। सो अभी हमें कुछ चेंजेस करने हैं, दो चेंजेस मेनली करने हैं। सो आप फिर से ये सबवे सेटिंग्स पे आ जाए और इस पेज को रिफ्रेश कर दे, और अभी यहाँ पर फिर से आप साइन इन सेलेक्ट कर ले। फिर बॉटम में आके अभी आपको रीडायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, और रीडायरेक्ट टाइप में फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें, कस्टम पेज, और जो हमने अभी पेज क्रिएट करा है डैशबोर्ड, वो पेज सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर दे। सो ये चेंजेस करने से क्या होगा कि अगर बंदे ने साइन इन कर दिया है उसके बाद आप उसे इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। ओके, सो बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अभी एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी यहाँ दूसरी प्रॉब्लम आप देखेंगे, हमारा डेमो वेबसाइट पे हम भी अभी डैशबोर्ड पेज पे हैं, बट यूआरएल बार में ये स्लैश डैशबोर्ड नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ स्लैश डैशबोर्ड दिखा रहा है। और जब मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ मैं एक दूसरे पेज पे आ जा रहा हूँ, और यहाँ जब मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ आई एम स्टिल ऑन दी डैशबोर्ड, मैं फिर भी अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे ही हूँ। अभी हमें एक सेटिंग करना होगा, हमें इस डैशबोर्ड पेज को होम पेज बनाना होगा। सो ये भी बहुत ही सिंपल है, आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप सेटिंग्स देखेंगे, सेटिंग्स पे हावर करके रीडिंग्स पे क्लिक करें। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड होता है, योर होम पेज डिस्प्लेस में योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्टेड होता है, हमें ये सेलेक्ट करना है अ स्टैटिक पेज, बिकॉज हमें एक डिफरेंट पेज सेलेक्ट करना है। अभी होम पेज में आप जो पेज को होम पेज बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर ले। तो मैं डैशबोर्ड को होम पेज बनाना चाहता हूँ, सो मैं डैशबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ। अभी मैं जब यहाँ आऊँगा, अभी जब मैं होम पेज पे क्लिक करूँगा सो आप देखेंगे मैं डैशबोर्ड पे आ गया और स्लैश डैशबोर्ड भी यूआरएल से गायब हो गया। सो ये हमने सक्सेसफुल कर लिया है। अभी फिर से अगर मैं अपने इस पेज पे जाता हूँ, साइन इन पेज पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक पेज है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी मैं यहीं पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। ओके, और ये जैसे ही मैं कहीं क्लिक करूँगा सो ये बोलेगा कि मेंबर्स ओनली पेज, प्लीज़ यूज़ दी लॉगिन फॉर्म बिलो टू एक्सेस दिस पेज। सो ये पेज मेंबर्स के लिए है, अगर आपको इस पेज को एक्सेस करना है, व्यू करना है, सो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सो अभी चलिए देखते हैं कैसा ये काम करता है, हाउ डज इट वर्क। सो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा, बट हम सपोज़ हमने अकाउंट ही नहीं बनाया तो हम लॉगिन कैसे करें। सो यहाँ कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है जिससे हम नया अकाउंट बना सके। यहाँ भी सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ भी लॉगिन का ऑप्शन। सो सबसे पहले हमें एक ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा जिससे हम नए बंदे को इनेबल कर सके, उनको नया अकाउंट क्रिएट करने में मदद कर सके। सो फिर से अपने डैशबोर्ड पर आ जाइए आप, और आपको सेटिंग्स के अंडर ये ऑप्शन मिलेगा, जनरल ऑप्शन, क्लिक करें उस पर। अभी यहाँ पर आपको मेंबरशिप में इसे टिक मार्क करना है, एनीवन कैन रजिस्टर, इसे टिक मार्क करके सेव चेंजेस कर दें। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है कि कोई भी आपके वेबसाइट पे रजिस्टर ना कर सके, बट बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत है सो अभी हमें इसे टिक मार्क कर दिया। फिर से आप इस पेज पे आए, अभी इसे रिफ्रेश करें कि वो तो हो जाना चाहिए। फिर से हमें एक सेव चेंजेस करते हैं, बिकॉज वो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी ये काम किया। एज यू कैन सी अभी यहाँ पर हमारे पास एक नया बटन है साइन अप का। अभी जो बंदे ने क्रिएट अकाउंट नहीं किया वो यहाँ से अभी अपना एक नया अकाउंट बना सकता है। ओके, सो अभी आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे आ जाए। अभी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है जो है बडी प्रेस सेटिंग। सो बडी प्रेस वो मेन प्लगइन है जो आपके वेबसाइट को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाता है, जिससे आप फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सके, मैसेज कर सकते, ये तमाम जो चीज़ें होती है वो बडी प्रेस प्लगइन है जो ये सब चीज़ को इनेबल करता है। सो हमें वो बडी प्रेस का सेटिंग करना होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप अगर आप देखेंगे सो अंडर सेटिंग्स आपको बडी प्रेस दिखेगा, सेटिंग्स के अंडर बडी प्रेस पे क्लिक करें। ओके, सो यहाँ पर अभी कुछ ऑप्शंस है, अभी हमें इसे टिक मार्क करना है या फिर अनटिक करना है, जो भी आपको चाहिए। सबसे पहले एक्सटेंडेड प्रोफाइल,
क्या आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को ये ऑप्शन रहे, उसको ये अथॉरिटी रहे कि वो अपने प्रोफाइल को एडिट कर सके, अपना नेम, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना बायोग्राफी एडिट कर सके? सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो होना ही चाहिए, सो इसे हम टिक मार्क कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अकाउंट सेटिंग का। क्या आप अपने यूज़र को अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने अकाउंट को मॉडिफाई कर सके, मतलब उसे नोटिफिकेशन देखना है या नहीं, उसके प्रोफाइल को चेंज कर सके, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सके? सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यूज़र्स को इतना ऑप्शंस तो होना ही चाहिए। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड कनेक्शन। क्या आप अपने वेबसाइट पे यूज़र्स को इतना अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सके और एक्सेप्ट कर सके? सो ऑब्वियसली सोशल नेटवर्किंग साइट है, कम्युनिटी साइट है, ऑप्शन के बिना तो सोशल नेटवर्किंग साइट या कम्युनिटी साइट कहलाएगा ही नहीं, सो हमें इसको टिक मार्क करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके यूज़र्स एक दूसरे से प्राइवेट मैसेज कर सके? सो ऑब्वियसली यस। एक्टिविटी स्ट्रीम बेसिकली वो होता है जिसपे आप तमाम, जो हम फेसबुक पे जैसे ही जाते हैं सो हम देखते हैं कि एक्टिविटी, किसने समवन लाइक्ड सम पेज, समवन अपलोडेड अ फोटो, किसी ने कुछ फोटो अपलोड किया, किसी ने कुछ पेज लाइक किया, सो वो सब एक्टिविटी दिखाती है कि किसने, आपके फ्रेंड ने क्या एक्टिविटी की। सो एक्टिविटी स्ट्रीम ऑब्वियसली हमें भी देखना है। उसके बाद नोटिफिकेशन, क्या आप नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन जो आप यहाँ देखेंगे ये इनेबल करना चाहते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो हम इसे भी इनेबल करना चाहते हैं। क्या आप अपने यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं कि वो एक ग्रुप बना सके, उसको अपने लोगों, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सके? सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी हमें चाहिए। सो इतने ऑप्शंस को आप टिक मार्क करके सेव सेटिंग्स कर दें। उसके बाद आपको सेकेंड टैब मिलेगा ऑप्शंस का, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, शो द टूल बार फॉर लॉक्ड आउट यूजर्स, सो इसमें यस करें। अकाउंट डिलीशन, अलाउ रजिस्टर मेंबर्स टू डिलीट देयर अकाउंट, इसको भी टिक मार्क करें, बिकॉज अगर बंदे को खुद अपना अकाउंट डिलीट करना है वेबसाइट पे सो उसकी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, सो इसको टिक मार्क करेंगे तो बंदा अगर अपना अकाउंट डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। प्रोफाइल सेटिंग्स, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड, क्या आप अपने बंदे को, जो बंदा मतलब आपका जो यूज़र है आपके वेबसाइट पर जो रजिस्टर्ड है, सो क्या आप उसे अलाउ करना चाहते हैं कि वो अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ले, अपना एवेटार चेंज कर ले? ऑब्वियसली यस। सो नेक्स्ट ऑप्शन है बड़ी प्रेस टू वर्ड प्रेस प्रोफाइल सिंगिंग, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो बड़ी प्रेस का और वर्ड प्रेस का प्रोफाइल है वो सिंक हो जाए। सो आपको ये अभी नहीं समझेगा, सिंपली से टिक मार्क कर दे। इनेबल ग्रुप क्रिएशन फॉर ऑल यूजर्स, हर यूज़र ग्रुप क्रिएट कर सके उसे इनेबल करना है, यस। अलाउ कस्टमाइजेशन एवटार फॉर ग्रुप्स, इसे भी आप टिक मार्क कर दे। अलाउ एक्टिविटी स्ट्रीम्स कमेंटिंग, यस। सो यहाँ पर तमाम चीज़ें सिंपली टिक मार्क कर दे, सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पेजेस पे आए, अभी आपने ये मेंबर्स पेज नहीं क्रिएट किया है, ना ही एक्टिविटी पेज क्रिएट किया है, ना ही ग्रुप पेज क्रिएट किया है, बट जैसे ही हम ये थीम इंस्टॉल करते हैं, वो प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, सो ये पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका ये पेज यहाँ पर है, मेंबर्स में मेंबर्स पेज शो कर रहा है, एक्टिविटी में एक्टिविटी पेज, और यूज़र ग्रुप्स में ग्रुप्स पेज शो कर रहा है। उसके बाद अंडर रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर में रजिस्टर पेज और एक्टिवेट में एक्टिवेट पेज शो करना चाहिए। सो इतने ऑप्शंस होने के बाद आप सिंपली सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो जो मेन सेटिंग्स थी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड वो सब कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो वेबसाइट करके, एक डेमो सेटअप करके कि कैसे एक बंदा नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है हमारे वेबसाइट पे, कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। सो अभी हम फिर से वो इनकॉग्निटो विंडो पे जाके उसे रिफ्रेश करते हैं उस पेज को। ओके, अभी चलिए हम साइनअप पे क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाने का ट्राई करते हैं। सो अभी मैं सबसे पहले एक यूज़र नेम डालूँगा, सो कुछ भी हो सकता है, सो मैं अपने एक फ्रेंड का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, एक पासवर्ड डाल देता हूँ, और ऑब्वियसली जो भी आप ईमेल यहाँ डालेंगे पहले आपको वो ईमेल वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इस बंदे का नाम डाल देता हूँ। सो इतनी चीज़ें, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ कुछ और भी फील्ड्स ऐड करना चाहें तो मैं अभी आगे इस वेबसाइट के ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट इतने ही डिफ़ॉल्ट्स फील्ड होते हैं। सो इतना सेलेक्ट करके कंप्लीट साइनअप पे क्लिक करें। अभी आपको ये बोलेगा कि हमने आपको एक लिंक सेंड किया है ईमेल के थ्रू, सो आप अपना ईमेल चेक करें, फर्स्ट अपना अकाउंट रजिस्टर करें या फिर अपना अकाउंट एक्टिवेट करें। तो चलिए गूगल पे जाके जीमेल पे जाते हैं और अपना ईमेल चेक करते हैं।
ओके गाइस, सो सबसे पहला ही लिंक अगर आप देखेंगे यहाँ पर थ्राइव ट्यूटोरियल जो मैंने वेबसाइट का नाम दिया है उससे आया एक्टिवेट योर अकाउंट। सो अभी मैं सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर देता हूँ। और अभी आपको देखेगा आपको एक एक्टिवेशन कोड मिला है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ये बटन पर क्लिक करना है एक्टिवेट। अभी आपको बताएगा योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव। ओके सो अभी चलिए हम काम करते हैं, फिर से थ्राइव पे जाके अभी हम साइन अप करने के बजाय और लॉग इन करते हैं, बिकॉज हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड में डाल के लॉग इन करके ट्राई करता हूँ। क्लिक ऑन लॉग इन। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने लॉग इन किया मैं डैशबोर्ड पे अपने आ चुका हूँ। अभी चलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें देख करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बंदे को ढूंढता हूँ जो मेरा मेंबर्स में मिलेगा, बिकॉज मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड रहेगा यहाँ पर। सो मैं मेंबर्स पे जाता हूँ। ओके सो अभी हमने मेंबर्स पेज क्रिएट उसको मेन्यू में नहीं डाला है। सो मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूँगा अपने वेबसाइट के आगे स्लैश मेंबर्स। अब यहाँ पर दिखेगा ये तो मैं हूँ और ये है मेरा दूसरा अकाउंट। सो मैं यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ और इस बंदे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता हूँ। ओके सो यहाँ मैसेज है, कंपोज कर सकते हैं और आप यहाँ पर यूज़र नेम या फिर सिंपली नेम टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके सो मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम कॉपी कर लूँगा। तो मेरा यूज़र नेम वहाँ था नैयर शेख, आई थिंक ये था। ओके सो सब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सो मैं हेलो डाल रहा हूँ और यहाँ पर ओके सो इतना मैसेज करके मैं सेंड करता हूँ। ओके लग रहा है, ओके आई थिंक ऐट द रेट डालना है हमें, फिर ट्राई करते हैं। ओके सो मैसेज चला गया। अभी चलिए मैं अपने दूसरे अकाउंट में आता हूँ, अभी यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे पास दो नोटिफिकेशन और एक मैसेज है। सो अगर मैं नोटिफिकेशन में क्लिक करूँगा, सो आई हैव अ न्यू प्राइवेट मैसेज एंड आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। सो चलिए मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट पे पहले जाता हूँ। अभी आप देखेंगे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और डायरेक्ट मैसेज में आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं, ये आपका मैसेज है, आप इस पर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। हेलो नैयर, अभी आप इसे रिप्लाई कर सकते हैं, बेसिक थिंग जो होती हैं। चलिए अभी फिर से यहाँ पर जाते हैं जो हमने अकाउंट क्रिएट किया, अभी देखते हैं कि हम फ़ोटो चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं और ये कवर इमेज चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके सो अभी ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट हमें इसमें बहुत सारे नए चेंजेस करने वाले हैं, सो आप वेट कर सकते हैं उसके लिए। सो हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं पहला, और यहाँ पर है चेंज प्रोफाइल पिक्चर। सो मैं इस पे जाके और एक नया प्रोफाइल पिक्चर डालता हूँ। अभी मैंने जो भी इमेजेस, अगर आप देखेंगे डेमो वेबसाइट में जो भी इमेजेस मैंने यूज़ किया हूँ, जो भी इमेजेस आप सब इमेजेस आपको फ्री में दे रहा हूँ। आपको वेबसाइट के नीचे ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा फ्री इमेजेस एंड CSS, उस लिंक पे क्लिक करें और आप ये तमाम इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। जिप फाइल रहेगा, आपको उसे अनजिप करना पड़ेगा। ओके सो मैं आपको दिखाता हूँ वो फाइल। ऑलराइट आई थिंक ओके ऐसा कुछ फाइल रहेगा आपको, नैयर शेख थ्राइव ट्यूटोरियल मीडिया, आपको उसे अनजिप करना है। सो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे नया फोल्डर मिलेगा, अब इसमें आपको सब इमेजेस मिल जाएंगी। ओके सो मैं भी ये इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। सो अभी फिर से मैं यहाँ आ जाता हूँ और चूज़ फाइल में ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। अभी आपको इसे क्रॉप करना होगा। सो मैं जितना भी आपको पोजिशन चाहिए, सो मुझे कम्प्लीट इमेज चाहिए, क्लिक ऑन क्रॉप। अभी आप देख सकते हैं मेरा इमेज चेंज हो गया है। अगर मैं कवर इमेज भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कवर फ़ोटो पे जाके फिर से अपलोड फाइल कर सकता हूँ, और जो भी आपको कवर इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ये चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं और अपलोड इमेज कर सकते हैं। अभी यहाँ भी आपको इसे और क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के बाद आप सिंपली इस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं मेरा कवर इमेज भी चेंज हो गया है। सो इतना ईजी है ये। सो आप देख सकते हैं बेसिकली हर चीज़ हम कर सकते हैं। अभी चलिए आपने देख लिया बेसिक थिंग, अभी आगे की सेटिंग्स करते हैं। फिर से हमारे वेबसाइट पे आते हैं। अभी सबसे पहले हम ये डैशबोर्ड पेज को क्रिएट करना शुरू करते हैं, इसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। सो बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी पेज क्रिएट कर लिया है। सो अगर आप पेजेस पे क्लिक करेंगे सो आपको पेज दिख जाएगा,
यहाँ पर है डैशबोर्ड, उसे एडिट पे क्लिक करें। अभी हमको फिर से बैक एंड एडिटर पे क्लिक करना होगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो सबसे पहले कुछ टेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद फिर मेंबर्स है। तो चलिए ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। सो सबसे पहले ऐड एलिमेंट करके टेक्स्ट ऐड करते हैं, और मैं सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ओके, और इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ, ओके। आई थिंक पूरा सेंटर अलाइन नहीं हुआ, ओके, अभी सब सही है। सो हमारे पास टेक्स्ट है और उसके बाद हमें ये मेंबर्स चाहिए, ओके, ये डिस्प्ले करना है। सो उसके लिए फिर से आप प्लस पे दबाए, प्लस बटन पे, अभी हमें ये नया एलिमेंट यूज़ करना है। अभी आप यहाँ पर मेंबर्स ग्रिड सर्च कर सकते हैं, ये रहा बीपी यानी बॉडी प्रेस मेंबर्स ग्रिड, इसे सेलेक्ट करें। अभी आपको देखना है कि कौन से टाइप के मेंबर्स को आप यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो न्यूएस्ट है, जो न्यू है, जो पॉपुलर है, जो अभी ऑनलाइन है, या फिर अल्फाबेटिकली, या फिर कोई हर बार रैंडम बंदे आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। सो मैं अभी न्यूएस्ट सेलेक्ट करूँगा, आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने बंदे आप दिखाना चाहते हैं, सो 12 सेलेक्ट करूँगा। कितने कॉलम्स, 6 कॉलम्स, बिकॉज यहाँ डेमो वेबसाइट में भी अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है और टोटल 12 मेंबर्स है। सो सेम सेटिंग्स मैंने यहाँ अप्लाई की है। अभी इतना करके आप सेव चेंजेस करके अपडेट कर सकते हैं। अभी चलिए इस पेज को नए टैब में व्यू करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, और ये सबको हम डिलीट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये है, टेक्स्ट है और ये सब चीज़ें भी हैं। अभी फिर से अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ यहाँ मिसिंग है, अगर आप चाहें तो। अगर आपको ये ऐसा पसंद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको थोड़ा चेंजेस करना है जैसे मैंने यहाँ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इमेजेस के बाजू में यहाँ कुछ गैप है, अगर आप ये गैप देना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ गैप नहीं है, तो आप दे सकते हैं। फिर से सेम करेंगे हम, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जितना भी आपको गैप देना है वो सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/6 प्लस 4/6 प्लस 1/6 ये सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सब चीज़ों को मिडल में ला सकते हैं, ओके, जैसा हमने पहले किया है। सो इतना गैप हो जाएगा लेफ्ट राइट से और इतना आपका कंटेंट सेंटर में रहेगा। बट मुझे लगता है ये गैप बहुत ज़्यादा है, सो अगर आप इसे डिक्रीज़ करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, कस्टम पे क्लिक कर सकते हैं और अभी आप इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ये कंप्लीट रो 12 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं आप। सो मैक्सिमम आप 12 कॉलम्स में से डिवाइड कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, 1/6 की जगह इसे 1/12 प्लस 1/12 और सेंटर में 10/12 का स्पेस रखता हूँ, ओके। सो जैसा मैंने कहा 12 डिफरेंट कॉलम्स में हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1/12 मतलब एक हिस्सा लेफ्ट में और एक हिस्सा राइट में सिर्फ छोड़ रहा हूँ, और 10/12 का जो हिस्सा है, बेसिक मैथ्स है, आई होप यू, आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़ है। इतना गैप, एक का 12 हिस्सा, ओके, सो इतना गैप मैं छोड़ रहा हूँ और बीच में 10/12 का मैं कंटेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। सो इसे करके अपडेट करें, इससे आपका गैप काफ़ी छोटा हो जाएगा, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर लगता है, ओके। सो इतना सेलेक्ट करके आप फिर से अपडेट कर सकते हैं और अपने डेमो वेबसाइट पे जाके रिफ़्रेश कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, गैप भी ज़्यादा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। अभी बिकॉज हमारे पास दो ही मेंबर है, दो ही मेंबर डिस्प्ले कर रहा है, जब आपके ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे तमाम मेंबर्स यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अभी इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं, और भी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये प्लस बटन पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप एक्टिविटी स्ट्रीम डालना चाहेंगे वो भी डाल सकते हैं, ये रहा, अगर आप सर्च करेंगे एक्टिविटी स्ट्रीम आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा, इसे क्लिक करें। नाउ अगर ये एक्टिविटी स्ट्रीम बेसिकली होता है जैसा आप फेसबुक में देखते हैं, सो मैं फर्स्ट इसे सेलेक्ट करके अपडेट करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये होता क्या है। फिर आप डेमो वेबसाइट पर आके इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं ये अभी एक्टिविटी स्ट्रीम हो गया। जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं टॉप पे आपको बोलता है व्हाट्स इन योर माइंड, तो सिंपली सेम ये भी यही है, व्हाट्स न्यू नए शेक, जो भी आपको अपडेट करना है स्टेटस, आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की एक्टिविटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये फेसबुक स्टाइल हो गया, अगर आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, बट मैं ये नहीं रखूँगा बिकॉज मैंने डेमो वेबसाइट में कुछ और रखा है और मैं आपको एग्जैक्टली सेम दिखाना चाहता हूँ। सो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और इसे फिर से अपडेट करता हूँ, ओके, और इसे रिफ़्रेश कर देते ताकि देखे वो गया कि नहीं, ओके। सो वो सेक्शन चला गया।
अब इसके नीचे मुझे कई सारे विजेट्स डालने पड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 विजेट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं डेमो वेबसाइट में। सो यहाँ भी मैं सॉरी 6 विजेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ भी हम वही 6 विजेट्स डालेंगे। सो वो आपको यहाँ से डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड से अपीयरेंसेस पे हावर करके विजेट्स पे क्लिक करें। अभी यहाँ से हम विजेट्स को ऐड करेंगे। ओके तो अभी आप देखेंगे डैशबोर्ड है। ओके बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन से, अगर आपको ये विजेट फुटर में डालना है यहाँ पर, तो आप फुटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये विजेट कहीं और डालना है, आप वो सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड सेक्शन है, अभी हमें जो भी विजेट डालना है डैशबोर्ड के अंदर डालना है, ताकि वो सब ये डैशबोर्ड पेज में शो करे। ओके सो सबसे पहला विजेट है हमारा फीचर्ड ग्रुप। सो आप यहाँ पर आएँ और कंट्रोल एफ़ दबाएँ अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल एफ़, एफ़ फॉर फैन, ताकि आप सर्च कर सकें, फाइंड, एफ़ फॉर फाइंड। ओके सो आप यहाँ पर फीचर्ड ग्रुप टाइप करें और यहाँ पर आपको मिलेगा थ्राइव फीचर्ड ग्रुप, इसे सेलेक्ट करें और मेक श्योर कि डैशबोर्ड सेलेक्टेड है। ओके जो भी सेलेक्टेड होगा ये विजिट वहाँ ऐड होगा। सो हमें डैशबोर्ड में ऐड करना है, सो डैशबोर्ड सेलेक्ट करें और ऐड विजिट करें। अभी टाइटल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फीचर्ड ग्रुप टाइटल ये है जो आपको यहाँ टॉप पे दिखेगा फीचर्ड ग्रुप, इसकी जगह अगर आप कुछ दूसरा डालना चाहते हैं टाइटल आप डाल सकते हैं, और जो ग्रुप आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ डालना है। सो हमने अभी कोई ग्रुप क्रिएट नहीं किया है, सो हम कुछ नहीं डालेंगे। अभी बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 6 के 6 यहाँ विजिट्स डाल दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक एक करके हम उसमें डेटा भरेंगे। ओके सेकेंड हमारा विजिट है अपकमिंग बर्थडेज। सो यहाँ पर अभी आप बर्थडे टाइप कर सकते हैं, यहाँ ये रहा थ्राइव बर्थडे विजिट, ये सेलेक्ट करें, क्लिक ऑन ऐड विजिट। अभी बर्थडेज इसका भी आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, बर्थडेज या फिर अपकमिंग बर्थडेज। सो मैं इधर अपकमिंग बर्थडेज कर देता हूँ इसे, और कौन सा बर्थडे दिखाना है, बर्थडेज दिस मंथ, दिस वीक या दिस ईयर। सो मैं दिस ईयर सेलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड हमारा विजिट है फीचर्ड मेंबर। सो फिर से आप यहाँ पर फीचर टाइप करें ताकि आपको विजिट मिल जाए, ये रहा थ्राइव फीचर्ड मेंबर, सेलेक्ट करें, ऐड विजिट कर दे। अभी यहाँ फीचर्ड का यूज़र नेम उसका डालना है जिसको भी आप फीचर्ड मेंबर दिखाना चाहते हैं। अगर आपको अपना यहाँ डालना है तो आप अपने इस पर क्लिक करेंगे, ये रहा आपका यूज़र नेम, या फिर यहाँ भी आपको दिखेगा, सिंपली इसे कॉपी कर ले और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ओके सेव चेंजेस कर दे। अभी चलिए इस पेज को रिफ्रेश करते हैं पहले। ओके इसको नहीं, डैशबोर्ड को। अभी आप देखेंगे फीचर्ड ग्रुप में हमने कुछ भी नहीं डाला है, सो ये ब्लैंक है। अपकमिंग बर्थडेज में भी कुछ भी नहीं है, सो ब्लैंक है। बट फीचर्ड मेंबर, बिकॉज मैंने अपना यूज़र नेम डाला है, सो ये फीचर्ड मेंबर शो कर रहा है। उसके बाद तीन और विजिट्स है जो है रिसेंट पोस्ट, पोल्स और अपकमिंग इवेंट्स। तो चलिए अभी ये ऑप्शंस भी यहाँ ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें रिसेंट पोस्ट टाइप करना है, अभी बहुत सारे रिसेंट आपको आएंगे, सो आपको सर्च करना है रिसेंट पोस्ट। ओके और आपको मैं बताता हूँ कौन सा सेलेक्ट करना है। ओके आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, गियर्स रिसेंट पोस्ट। सो इसे सेलेक्ट करें और ऐड विजिट पे क्लिक करें, और आपको टाइटल क्या देना है और कितने पोस्ट शो करना है, रिसेंट 5 पोस्ट, रिसेंट 4 पोस्ट, और सॉर्ट बाय डेटा, सॉरी डेट, ऑथर, टाइटल। सो सॉर्ट बाय डेट और डिसेंडिंग, सो जो लास्ट रहेगा वो फर्स्ट दिखाएगा, जो रिसेंट रहेगा वो फर्स्ट दिखाएगा। ओके सो डिसेंडिंग, सो सेव करें। उसके बाद हमारे पास है पोल्स, सो अभी हमें पोल्स सर्च करना है यहाँ पर। सो सर्च करें पोल्स, और अगर आपको नहीं दिखे तो आप ये एरो दबा सकते हैं, ये रहा WP पोल्स, इसे सेलेक्ट करें, क्लिक ऑन ऐड विजिट। ओके सो ये पोल्स डिस्प्ले करेगा। अभी एक एक करके मैं सब चीज़ आपको समझाऊंगा, और उसके बाद फिर अपकमिंग इवेंट्स है। सो आप यहाँ पर इवेंट्स डाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं दिखे तो एरो नीचे करें, ये रहा इवेंट लिस्ट, इसको सेलेक्ट करके ऐड विजिट पे क्लिक कर दें। ओके अभी अपकमिंग इवेंट्स, कितने इवेंट्स आप दिखाना चाहते हैं, 5 4 जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं यहाँ। अभी हमारे पास तमाम 6 के 6 विजिट्स हो गए हैं। अभी यहाँ आके हम रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, बट हम इसे को अब इसको हम फिक्स करेंगे। यहाँ पर रीसेंट पोस्ट में एक पोस्ट आपको दिखेगा जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है, हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा और अपना पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पोल्स में भी आप देखेंगे एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट क्रिएटेड है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक डिफरेंट पोल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अभी हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ओके
बट उन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मेन्यूज़, जो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेन्यू है, यहाँ पर ये मेन्यू है, बिकॉज अगर किसी को ग्रुप भी क्रिएट करना है तो कैसे करेगा, यहाँ पर ग्रुप में अंडर में क्रिएट ग्रुप है, यहाँ से करेगा। सो उसके पास अभी वो ऑप्शन नहीं है। सो फर्स्ट हम ये ऑप्शंस ऐड करते हैं। सो अगर आपको मेन्यूज़ क्रिएट करना है तो सिंपली आप डैशबोर्ड में आकर अपीयरेंसेस में जब आप देखेंगे तो अंडर अपीयरेंसेस आपको मेन्यूज़ नज़र आएगा, सिंपली मेन्यूज़ पे क्लिक कर दें। या फिर ये एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। या फिर एक सिंपल ऑप्शन ये है कि आपको ये लिंक यहाँ पर मिलेगा, न्यू सेकेंडरी मेन्यू। सो आप इस लिंक को नए टैब में ओपन कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अभी आप सेम पेज पे पहुँचेंगे। अभी यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो मैं बिकॉज ये साइड मेन्यू है, हम इसे साइड मेन्यू नाम देंगे और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ये करें, फर्स्ट थिंग आपको ये करना है कि आपको सेकेंडरी मेन्यू यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। आपको बताना है वर्डप्रेस को कि जो मैं ये मेन्यू बनाने जा रहा हूँ वो सेकेंडरी मेन्यू है, और जो भी आपका सेकेंडरी मेन्यू होगा ये लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले करेगा। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको जो भी यहाँ डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आपको पेजेस चाहिए, जो भी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ़ दी थिंग जो हमको यहाँ डालनी होगी वो बड़ी प्रेस से रिलेटेड होगी, और आपको बड़ी प्रेस का ऑप्शन अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सो अगर आपको बड़ी प्रेस के ऑप्शंस चाहिए, सो अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन के टॉप पे ये ऑप्शन होगा, स्क्रीन ऑप्शंस, उस पर क्लिक करें। और यहाँ पर बड़ी प्रेस है, बड़ी प्रेस बाय डिफ़ॉल्ट टिक मार्क नहीं होता, उसे टिक मार्क कर दे। अभी आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, बड़ी प्रेस। इसमें आपको सब जो भी चीज़ें आपको चाहिए सब मिल जाएगी, जो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है आप सब यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर टिक मार्क करके ऐड टू मेन्यू कर रहा हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे सिंपली पहले से सेव मेन्यू कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, अभी रिफ़्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे आपका मेन्यू शो करने लग गया। अभी हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ये आइकन्स डालने हैं और देखना है कि आइकन्स कैसे डालते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। ओके, सो आप यहाँ आ जाए। सबसे पहले हमारा है एक्टिविटी, सो एक्टिविटी को ओपन करें और ऐड आइकन करें। आपको अभी जो भी आइकन चाहिए एक्टिविटी के लिए आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको टाइप करना है तो आप एक्टिविटी टाइप कीजिएगा तो आपको कुछ आइकन्स उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। या फिर अगर आपको जो भी आइकन चाहिए आप यहाँ पर वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे शायद सपोज़ मुझे ये चाहिए, ये आई आइकन चाहिए, विजिबिलिटी आइकन। सो मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और आप इसे कलर कर सकते हैं। सेलेक्ट कलर करके जो भी कलर आपको पसंद आए वो सेलेक्ट करें और सेव चेंजेस कर दें। अभी यहाँ आकर रिफ़्रेश करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं हुए, मुझे तो आइकन नहीं नज़र आ रहा है। सो कभी कभी ऐसा होता है, ओके, आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हमने आइकन चेंज कर दिया है, उसका कलर भी चेंज कर दिया, बट यहाँ पर ना आइकन शो करना है ना उसका कलर। सो क्या करना है आपको, आपको मैनेज लोकेशन पर जाना है और यहाँ साइड नैप में आपको अंडर साइड सेकेंडरी मेन्यू दिखेगा। अभी आपको एक नया मेन्यू क्रिएट करना है। सो ये काम नहीं किया, सो ऐसे ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो आप इस लिंक पे क्लिक करें, यूज़ अ न्यू मेन्यू। अभी आप इसे, चलिए एक नया नाम देते हैं, साइड मेन्यू 2। ओके, क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू। सेम स्टेप है, मेक श्योर सेकेंडरी मेन्यू सेलेक्टेड है। अभी हम फिर से बड़ी प्रेस के सब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और इसको ऐड टू मेन्यू करते हैं। अभी एक्टिविटी सेलेक्ट करके आइकन, चलिए ऐड करके देखते हैं कोई भी आइकन। सो मैं ये आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे कलर दे देता हूँ रेड। अभी सेव मेन्यू करते हैं, फिर से यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे आइकन शो कर रहा है, कलर भी शो कर रहा है। सो मुझे बहुत खुशी है कि अच्छा वो एरर आया, सो दैट आपको पता चल गया कि वो एरर कैसा हैंडल करना है। बिकॉज मैं बहुत बार ये होता है कि मैं जो अपना वेबसाइट ट्यूटोरियल बनाते रहता हूँ उसमें परफेक्ट होता है, बट कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है और उनको पता नहीं है कैसे टैकल करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर ट्यूटोरियल के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा बेटर होता है, ताकि मैं इसी टाइम समझा सकूँ और आपको वो प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो ये हमारा सेकेंडरी मेन्यू था। अभी हम एक ये मेन्यू बना लेते हैं, राइट कॉर्नर वाला मेन्यू। ओके, जो यहाँ आपको नज़र आएगा। सो चलिए ये मेन्यू बनाते हैं। और सिमिलरली ऑब्वियसली मैं एक एक को तो आइकन डाल के कलर नहीं करने वाला हूँ, आपको पता है अभी कैसे करना है, आप सिंपली एक एक को अभी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये मेन्यू भी क्रिएट करना है। सबसे बेस्ट आइडिया इसका यही है, यहाँ क्लिक करें और यहाँ आपको ये लिंक मिलेगा, ऐड
टॉप राइट बार मेन्यू। सो इस लिंक को नए टैब में ओपन करें। ओके ठीक है, सो आप यहाँ पर आएंगे टॉप राइट मेन्यू। सो इसके बाद जो मेरी लिंक है यूज़ न्यू मेन्यू, इस पर क्लिक करें। कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं। सो मैं इसे टॉप राइट का नेम देता हूँ और क्रिएट मेन्यू करता हूँ। ओके आप देखेंगे कि टॉप राइट बार बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। अभी आपको टॉप राइट में जो भी ऑप्शन चाहिए जैसे एक्टिविटी, प्रोफाइल, साइन आउट, दो ऑप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो रहेंगे ही, आपके नोटिफिकेशन मैसेजेस तो रहेंगे ही, साइन आउट और सेटिंग का ऑप्शन ज़रूर रहना चाहिए इसमें। सो बड़ी प्रेस में हम सब ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको चाहिए। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेटिंग का और लॉग आउट का ऑप्शन रहेगा। ओके तो इतने सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करें। फिर से अभी आपको समझ चाहिए, अभी इस बार हम लॉग आउट को आइकन देते हैं। सो ऐड न्यू आइकन करते हैं और लॉग आउट टाइप करते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ आइकन है या नहीं। सो लॉग आउट नहीं है, सो एग्जिट टाइप करते हैं। ओके, हाँ ये एग्जिट का आइकन यूज़ कर सकते हैं। एग्जिट टाइप करें, जो भी आपको इसे कलर देना है, सपोज ब्लू देना है आप ब्लू कर सकते हैं। सेव मेन्यू, फिर यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। अभी इस पर क्लिक करते हैं, अभी आप देख सकते हैं आपके पास वो मेन्यू है और यहाँ पर आपका वो आइकन भी है। सो सिमिलरली आप सब मेन्यू को आइकन दे सकते हैं। ओके अभी एक लास्ट मेन्यू बचा है जो ये है प्राइमरी मेन्यू। अभी एक लास्ट मेन्यू बचा है तो जो ये है प्राइमरी मेन्यू, यहाँ भी आप एक मेन्यू डाल सकते हैं अगर आप चाहे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट आप डाल सकते हैं। सो बिकॉज ये है ट्यूटोरियल में तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो सिमिलरली इसको भी राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू, ओपन इन न्यू टैब करें। ओके प्राइमरी मेन्यू के बाद बाजू में जो यूज़ अ न्यू मेन्यू, इस पर टाइप क्लिक करें और इस पर आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। सो मैं इसे प्राइमरी मेन्यू का टाइटल देता हूँ और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। और इसमें आप पेजेस डाल सकते हैं, आपके ग्रुप्स, डैशबोर्ड, मेंबर्स, एक्टिविटी पेजेस, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें लोगो और आइकन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपली ऐसे ही छोड़ के सेव मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अभी इस पर आके आप रिफ्रेश करें, आपको अभी वो पेजेस भी यहाँ दिख जाएंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था सेटिंग्स, जो मेन्यू का सेटिंग्स सब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो आई होप आपने सब सही सलामत कर लिया होगा। अगर आपको पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, फॉर एग्जांपल मेन्यू में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख के भेजें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। ओके गाइस, सो अभी चलिए ग्रुप बनाते हैं। बट ग्रुप बनाने से पहले आप फिर देखेंगे मैंने वो ऑप्शन डालना ही भूल गया कि ग्रुप क्रिएट कैसा करेंगे। जब बंदा ग्रुप पे क्लिक करता है यहाँ पर उसको कुछ खास ऑप्शन यहाँ नहीं मिलते। ओके सो हमें एक ऑप्शन डालना है जिससे वो ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना है उस पर क्लिक कर सके। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेन्यू बार में जाके अपने वेबसाइट के नेम के आगे स्लैश ग्रुप्स डाल सकते हैं। सो योर वेबसाइट नेम स्लैश ग्रुप्स, जब आप डालेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा और यहाँ पर एक बटन मिलेगा क्रिएट अ ग्रुप। उस बटन को राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करें और यहाँ पर आए और यहाँ पर हमको फर्स्ट सेकेंडरी मेन्यू सेलेक्ट करना है। सो ये था साइड मेन्यू टू, ये सेलेक्ट करें। ओके और यहाँ पर अभी हमें ग्रुप्स के अंडर में चाहिए नया ऑप्शन। सो हम कस्टम लिंक्स पे क्लिक करेंगे और जो हमने कॉपी यूआरएल कॉपी किया है उसको यहाँ पर पहले से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लिंक टेक्स्ट में डालेंगे क्रिएट ग्रुप। अभी ऐड टू मेन्यू करेंगे और इसको ग्रुप्स के अंदर में डाल देंगे जो है यहाँ पर। सो ग्रुप्स के अंदर में ये रहेगा। सेव चेंजेस कर देते हैं, फिर से यहाँ के इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप्स के अंदर में अभी आपके पास न्यू ऑप्शन है। सो चलिए अभी इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया ग्रुप बनाते हैं। ओके सो जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टेप्स मिलेंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एक नया ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो चलिए पहले इस ग्रुप को एक नाम देते हैं। सो मैं इसे ग्रुप वन का नाम देता हूँ। आप इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं इस ग्रुप के बारे में। ओके सो कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं lipsim.com पे जाता हूँ जो डमी टेक्स्ट का वेबसाइट है। जब भी आपको कुछ डमी टेक्स्ट डालना है अपने वेबसाइट में आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके सो मैं lipsim.com से कुछ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ, ज़्यादा हो गया ये थोड़ा, इतना काफ़ी है। सो ये हमारे ग्रुप का बेसिकली, ये भी ज़्यादा है, इतना ही है। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे ग्रुप के बारे में और ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। ओके सो नाम
डिस्क्रिप्शन डाल के क्रिएट ग्रुप एंड कंटिन्यू करें। अभी ग्रुप सेटिंग, आपको ये ग्रुप पब्लिक ग्रुप रखनी है, प्राइवेट रखनी है, हिडन रखनी है। पब्लिक ग्रुप में कोई भी बंदा आपके ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है और कुछ भी पोस्ट कर सकता है, ओके, और ग्रुप एक्टिविटी देख सकता है। और अगर आप इसे प्राइवेट बनाएंगे तो वही बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है जिसको आप या फिर ग्रुप का कोई मेंबर इनवाइट करे। आप सब टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पढ़ सकते हैं, प्राइवेट ग्रुप क्या है, पब्लिक ग्रुप क्या है। ओके, सो प्राइवेट ग्रुप में ये ग्रुप के डायरेक्टरी में तो लिस्टेड होगा, मतलब कोई सर्च करेगा तो उसको ये ग्रुप दिख जाएगा। फिर एक ऑप्शन है हिडन ग्रुप, तो इसमें अगर कोई सर्च भी करेगा तो उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये ग्रुप में आपको सिर्फ लिंक शेयर करना पड़ेगा फ्रेंड्स से। सो बेसिकली लोग प्राइवेट प्राइवेट या फिर पब्लिक ग्रुप रखते हैं। सो मैं पब्लिक ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ। ऑल ग्रुप मेंबर कौन इनविटेशन भेज सकता है, सो ऑल ग्रुप मेंबर्स पे सेलेक्ट करता हूँ। हर कोई जो भी ग्रुप का मेंबर है किसी को भी इनवाइट कर सकता है इस ग्रुप पे। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। फोरम्स, क्या आपको चाहिए, क्या आप ग्रुप्स में फोरम्स का ऑप्शन रखना चाहते हैं? मैं येस पे क्लिक करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल ऑप्शन है। सो मैं येस पे टिक मार्क करके नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, कौन डॉक्यूमेंट्स इस पर क्रिएट करके अपलोड कर सकता है, अब ये भी आपको ऑप्शन में समझाऊंगा थोड़ा देर में। सो कोई भी ग्रुप मेंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। सो मैं ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। अभी आप ग्रुप का एक फ़ोटो या फिर एवेटर अपलोड कर सकते हैं। सो आप फिर से उस फाइल पे जा सकते हैं जहाँ आपको सब फ्री इमेजेस मिल जाएगी, और मैं मे बी ये इमेज रख देता हूँ। ओके, फिर से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। ओके, और फिर बॉटम में क्रॉप इमेज पे क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, और आप जिसे भी चाहे इनवाइट कर सकते हैं। सो मेरा एक ही फ्रेंड है एट प्रेजेंट, सो मैं इसे इनवाइट कर देता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका चेंज सेट नहीं है कि ग्रुप कैसे दिखना चाहिए, बट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फोरम कैसे क्रिएट होता है। सो फोरम पे क्लिक करते हैं। अभी फोरम कुछ भी नहीं है, सो द फोरम इज़ एम्प्टी। चलिए एक नया फोरम क्रिएट करते हैं। सो मैं इसको वर्डप्रेस का टाइटल देता हूँ, ताकि वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी मुझे इस फोरम में आ के पूछ सकता है। सो मैं इधर टाइप कर सकता हूँ वर्डप्रेस रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व्ड हियर। ओके, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। इसको कुछ टैग्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस का टैग दे दिया मैंने इसको, और नॉर्मल है। ओके, जब भी कोई इस पे रिप्लाई करे तो मुझे नोटिफाई होना चाहिए ईमेल पे। अगर आप ये चाहते हैं तो टिक मार्क करके सबमिट कर दे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ एक नया फोरम क्रिएट हो गया है, और जब भी कोई अगर किसी को डाउट होगा कोई यहाँ आके मुझे पूछ सकता है, फिर मुझे उसका ऑप्शन मिलेगा, मुझे ईमेल आएगा कि किसी ने पोस्ट किया है क्वेश्चन, मैं उसे आंसर कर सकता हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। अभी डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट फोल्डर्स में रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक पे क्लिक करते हैं, इसे टाइटल देते हैं फिर से वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ। ओके, सो यहाँ अभी आपको डॉक्यूमेंट में जो भी टाइप करना है सिंपली आप लॉरम इप्सम लीजिए, या फिर जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप करें। आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल है, आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, पोल्स ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स टेबल्स ऐड कर सकते हैं। सो ऑल दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर हियर। उसके बाद आप इसे एक कोई ग्रुप से एसोसिएट कर सकते हैं, कौन इस फोल्डर को या फिर कौन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है उस पर आप ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं। हु कैन रीड दिस डॉक्यूमेंट, सो एनीवन, या फिर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, या फिर जो भी आपको है। हु कैन एडिट दिस ग्रुप, मेंबर्स या फिर लॉग्ड इन यूजर्स, या फिर ओनली मी, जो भी आपका ऑप्शन चाहिए आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। हु कैन रीड कमेंट्स ऑन दिस डॉक्यूमेंट, सो कौन रीड कर सकता है कमेंट्स जो भी ये डॉक्यूमेंट पे आए। सो ये सब ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप फोल्डर, ओके, सो एग्जिस्टिंग फोल्डर में, या फिर अगर आपको नया फोल्डर बनाना है आप क्रिएट अ न्यू फोल्डर पे, उस पर नेम देके आप चालू कर सकते हैं, एक नया फोल्डर बना के इसको उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आपके पास ये सब ऑप्शंस है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जब आपका काम कंप्लीट हो सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग कर दे, या फिर सेव कर दे। ओके, सो सेव हो चुका है। सो ये ऐसे आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए सो हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। सो फर्स्ट वो ग्रुप का नाम देख लेते हैं। इसका ग्रुप का नाम है ग्रुप 1। अगर आप इसे क्लिक करेंगे सो आपको टॉप पे यूआरएल बार में आपको ये दिखेगा, ग्रुप 1 ऐसे टाइप होता है। इसको कॉपी कर ले, बिकॉज़ होम पेज पे हमें इस ग्रुप का भी फीचर ग्रुप बनाना है। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सो आप अपने डैशबोर्ड पे आए, अपीयरेंसेस के अंडर में फिर से आप विजिट्स पे क्लिक करें। अब फर्स्ट ऑप्शन है फीचर ग्रुप, सो यहाँ पर वो पेस्ट कर दे जो आपने कॉपी किया है ग्रुप 1। ओके, और सेव कर दे। यहाँ आके चलिए रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे अभी ये ग्रुप फीचर ग्रुप हो चुका है। ओके, अभी इसके बाद चलिए हम देखते हैं ये ऑप्शंस कैसे अभी करें अपकमिंग बर्थडेज, बिकॉज अभी तक हमने कुछ बर्थडे रिलेटेड ऑप्शंस नहीं डाला है। सो ऑब्वियसली हमें कैसे पता चले अब किसका बर्थडे कब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रोफाइल फील्ड अपडेट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप साइन अप पे ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हैं सो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। पहले अपने डैशबोर्ड पे आए और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़र्स, जो कि है यहाँ। सो हावर यूज़र्स, यूज़र्स पे हावर करके प्रोफाइल फील्ड्स पे क्लिक करें। अभी यहाँ हमें एक नया प्रोफाइल फील्ड ऐड करना है, सो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू फील्ड, और आपको जो फील्ड भी ऐड करना है उसका डेट या टाइटल या फिर नेम दे दे। सो मैं इसको डेट ऑफ बर्थ का नेम देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक यूज़र्स डेट ऑफ बर्थ विल कम हियर। ओके, और किस टाइप क्या है, फील्ड टाइप क्या है। सो ऑब्वियसली ये डेट सेलेक्टर है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ है तो उनको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपका डेट का क्या फॉर्मेट है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इंडिया में तो हम बेसिकली डे मंथ ईयर का फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, सो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या ये रिक्वायर्ड है नॉट रिक्वायर्ड है, सो आप इसे रिक्वायर्ड या फिर नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। विजिबिलिटी एवरीवन, मतलब ये पब्लिकली विजिबल है, बट हमारा ये ऑप्शन भी सिलेक्टेड है। अलाउ मेंबर्स टू ओवरराइड, सो मेंबर्स अगर मैं चाहूँ तो इसे पब्लिक की जगह ओनली फ्रेंड्स करके या फिर ओनली मी भी कर सकता हूँ। ओके, सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सो इतना सेलेक्ट करके सेव कर दें। अभी चलिए मैं फिर से इस वेबसाइट को एक नए इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ। ओके, पहले हमको ये इनकॉग्निटो विंडो सब बंद करना पड़ेगा। अभी एक नया इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ ताकि मैं इसमें लॉग्ड आउट रहूँ। ओके, अब परफेक्ट है। अभी मैं अगर साइन अप पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन आ रहा है, और ये भी अभी रिक्वायर्ड है और मे बी नॉट रिक्वायर्ड है, बट ऑप्शन आ रहा है। ओके, सो हमें ये ऑप्शन भी फिलअप करना होगा। सो ये ऑप्शन से हमें डेट ऑफ बर्थ लोगों के पता चल जाएंगे और हम उसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करता हूँ। तो मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ, प्रोफाइल ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एडिट करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। सो ये है 7th of June मेरा डेट ऑफ बर्थ 94। सो यहाँ है, बट एक काम करता मैं जून की जगह दिसंबर कर देता हूँ, या फिर अभी चल रहा है अगस्त, सो मैं अगस्त कर देता हूँ, बिकॉज मुझे ये शो करना है यहाँ पर डेमो वेबसाइट में। अगर मैं जून सेलेक्ट करूँगा तो जून ऑब्वियसली पास हो चुका है, सो वहाँ पर शो नहीं करेगा। सो मैं अगस्त सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेव चेंजेस कर देते हैं। फिर से हम अपने डेमो वेबसाइट के उस पर आ जाते हैं, होम पेज पर। अभी आप देखेंगे मेरा बर्थडे शो करने लगा यहाँ पर, अगस्त 7 नियर शेख, और ये बर्थडे का आइकन, केक का आइकन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ऐसे ये चीज़ को इनेबल करते हैं। उसके बाद है, चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है रीसेंट पोस्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आ जाए और पोस्ट पे क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होगा, वर्डप्रेस रिसोर्सेज एट साइट ग्राउंड, या फिर अगर आप दूसरा होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड का पोस्ट क्रिएट होगा। इसको आप ट्रैश कर दें या फिर डिलीट कर दें यहाँ से, सिंपली इस बटन पे क्लिक करें, और अभी ऐड न्यू करके एक नया पोस्ट ऐड करते हैं। ओके, सो बेसिकली पोस्ट आप जैसा आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट्स है, कुछ भी है, या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आपको एक बेटर आइडिया होगा कि पोस्ट होता क्या है। ओके, सो एक टाइटल है फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत कुछ हो सकता है, अभी मैं डिटेल में तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ऑब्वियसली, जैसा कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ये एक पोस्ट हो सकता है। ओके,
अभी आप इस क्वेश्चन को या फिर इस टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप बीच में इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, आप और भी चीज़ें जो भी आपको ऑप्शन से अवेलेबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम इसे एक कैटेगरी दे सकते हैं। सो ये मे बी वर्डप्रेस से रिलेटेड है। ओके, सो मैं इसका एक नया कैटेगरी दे दूंगा, वर्डप्रेस। ओके, ऐड न्यू कैटेगरी। आप इसे टैग भी दे सकते हैं। सो अगेन, टैग में भी वर्डप्रेस आ सकता है, टेक्नोलॉजी आर्ट्स आ सकता है। ओके, टैग्स भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लोग उस टैग से रिलेटेड चीज़ें भी ढूंढते हैं कभी कभी। हम इसे एक फीचर्ड इमेज भी दे सकते हैं। सो चलिए मैं इसे एक फीचर्ड इमेज ये दे देता हूँ। सो फीचर्ड इमेज यहाँ डिस्प्ले होएगा। अगर आप देखेंगे ये सब फीचर्ड इमेजेस है जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। ओके, सो इसे सेलेक्ट करके सेट फीचर्ड इमेज दे दें। अगर आप चाहें तो पेज लेआउट फुल कंटेंट कर सकते हैं, अगर आपको साइड बार डिस्प्ले नहीं करना है तो, और इसे पब्लिश कर दें। अभी फिर से हमारे पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखेंगे रीसेंट पोस्ट में व्हाट इज़ वर्डप्रेस आ गया। अभी आप इसे ओपन कर सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत पोस्ट लग रहा है। ओके, सोशल शेयर आइकन्स है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे लोग शेयर कर सकते हैं, लोग पढ़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनली बिल्ट वेबसाइट है ये। ओके, सो इसके साथ ये भी हो गया। अभी सिंपल दो चीज़ें बची हैं, पोल्स और इवेंट्स। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अभी पोल्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे, पोल्स होगा, लेट मी सी, यहाँ बॉटम में पोल्स है। सो आप सिंपली पोल्स पे हावर करके ऐड पोल कीजिए और जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सो मे बी एक बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन डालता हूँ मैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, और कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ जैसे कि मुंबई, पुणे। ओके, नया ऑप्शन दे देता हूँ मैं, मे बी लखनऊ। एक नया ऑप्शन दे देता हूँ चेन्नई, और लास्ट ऑप्शन दे देता हूँ दिल्ली का। ओके, सो आप ऐसे पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। अलाउ मेंबर्स टू सेलेक्ट मोर देन वन, ऑब्वियसली नो सेलेक्ट रहेगा बिकॉज दो कैपिटल तो नहीं हो सकते इस सिचुएशन में। आप इसका स्टार्ट और एंड डेट, कब ये पोल्स स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है, वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड पोल कर सकते हैं। अभी हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे सो आप देखेंगे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया का पोल यहाँ आ रहा है, और बॉटम में पोल आर्काइव है। अगर पोल आर्काइव पे कोई क्लिक करेगा, ओके, शोड नहीं एट प्रेजेंट, बट यहाँ पर देख सकता है। सपोज़ मैंने मुंबई को सेलेक्ट किया और वोट किया, सो यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई को एक बंदे ने वोट किया 100%। जैसे ही लोग ज़्यादा वोट करते रहेंगे आपको रिजल्ट्स यहाँ पर दिखना शुरू होंगे। उसके बाद लास्ट है हमारा इवेंट्स। चलिए देखते हैं इवेंट्स कौन क्रिएट कर सकता है। कई चीज़ें हैं जो सिर्फ एडमिन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये पोस्ट, ये इवेंट, ये सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जैसा मैंने शुरू में दिखाया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, स्टेटस अपडेट करना, इमेज अपलोड करना, ये सब कोई भी कर सकता है, बट ये सब चीज़ें सिर्फ आप कर सकते हैं। ओके, पोस्ट क्रिएट करना, बिकॉज पोस्ट हर कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स हर कोई क्रिएट कर सकता है, ग्रुप हर कोई क्रिएट कर सकता है, वो सब चीज़ें सही हैं, बट यहाँ ये सब चीज़ें आप ही कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑन योर डैशबोर्ड आप देखेंगे इवेंट्स है। सो हाउ आर इवेंट्स एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू। अभी आपको ये इवेंट का कुछ टाइटल देना है। सो फॉर एग्जाम्पल हाँ, मे बी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वर्डप्रेस का कैंप हो सकता है, वर्ड कैंप हो सकता है, बट ज़्यादा वर्डप्रेस हो रहा है बार बार। सो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ईद की पार्टी दे देता हूँ। ओके, सो ईद पार्टी दे देता हूँ, कुछ भी इधर डाल देता हूँ इसके बारे में, भाई कहाँ है, क्या है, नहीं है। और उसके बाद इसका आप इवेंट कैटेगरी दिखा सकते हैं। तो ये मैं कैजुअल दिखा देता हूँ बिकॉज़ ये थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है, कैजुअल है। सो इसे कैजुअल या फिर कुछ भी अनप्रोफेशनल आप डाल सकते हो, जो भी आप चाहें। ओके, उसके बाद ये इवेंट कब है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। सो मे बी पता नहीं ईद कब है, जो भी है। सो 31 अगस्त डाल देता हूँ, सुबह 8 से 5 बजे, शाम 5 PM, सो 8 AM to 5 PM। और डेट यहाँ भी है, और या फिर ऑल डे इवेंट है तो आप यहाँ टिक मार्क कर सकते हैं। कहाँ पर है, वेन्यू का नाम क्या है। सो मे बी कुछ भी हो सकता है यार,
मेरे घर पे है। ओके एड्रेस क्या है, तो मैं सिंपली मुंबई टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर। फ़ोन नंबर क्या है, सो मैं कुछ भी एक फ़ोन नंबर टाइप करके वेबसाइट्स पे आप डाल सकते हैं, आप शो गूगल मैप भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र कौन है, सो भाई मैं ही अपना नाम डाल देता हूँ। ऑलराइट ओके, फ़ोन नंबर ऑर्गेनाइज़र का ताकि उससे कांटेक्ट कर सके, उसका वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, अगर आप एक और ऑर्गेनाइज़र ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये इवेंट का URL डाल सकते हैं, अगर ये पेड इवेंट है सो आप इसका कॉस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पर, बट ऑब्वियसली इसको पेड नहीं बना सकते। ओके सो यहाँ पर आप इसका फीचर इमेज भी डाल सकते हैं, सो मैं इसके लिए भी सेम फीचर इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ओके और इसे भी मैं कर देता हूँ फुल कंटेंट नो साइड बार, और इसे पब्लिश कर देते हैं। फिर आते हैं हमारे वेबसाइट पे, होम पेज को रिफ़्रेश करते हैं और आप देखेंगे अभी ईद पार्टी का ये शो करना शुरू हो गया, और यहाँ पर क्लिक करके आप ऑल इवेंट्स भी व्यू कर सकते हैं। ओके गाइस अभी बहुत ही कम चीज़ें बाकी हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ अभी अगर हम देखेंगे सो सिंगल यूज़र प्रोफाइल पेज ऐसा लगता है, बट हमारे डेमो वेबसाइट में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, अगर आप देखेंगे ये ऐसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सो हम अभी इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी साइड मेन्यू नहीं है और ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, और बहुत अलग लग रहा है। सो इसको चेंज करना बहुत ही आसान है, आप सिंपली कस्टमाइज़ पे क्लिक करें एट द टॉप, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले हमें बड़ी प्रेस न्यू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, और मेंबर, बिकॉज ये मेंबर्स पेज है तो मेंबर्स फ्रंट पेज सेलेक्ट करें, और ये चीज़ टिक मार्क होगा एनेबल डिफ़ॉल्ट फ्रंट पेज फॉर मेंबर प्रोफाइल, इसे अनटिक कर दें। जैसे ही आप अनटिक करेंगे आपको चेंजेस तुरंत नज़र आ जाएंगे। ओके सो इसको पब्लिश कर दें। अभी बैक आएँ और भी कुछ चेंजेस करने हैं, अभी आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा मेंबर नेविगेशन, उसे भी क्लिक करें और डिस्प्ले मेंबर नेविगेशन वर्टिकली को टिक मार्क कर दें। सो इस पर आपको ये जो नेविगेशन है इसमें वर्टिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। सो यहाँ की जगह जो टॉप पे था पहले, अभी आपको ये डिस्प्ले यहाँ हो रहा है। ओके सो ये खूबसूरत लग रहा है, पब्लिश कर दें इसे। अभी सिमिलरली हमें ग्रुप का भी स्टाइल चेंज करना है, अगर मैं ग्रुप्स पे क्लिक करता हूँ सो ये हमारा ग्रुप है, मैं अगर ग्रुप पेज क्लिक करता हूँ सो ग्रुप का भी बहुत ही अजीब सा डिज़ाइन लग रहा है, सो इसे भी चेंज कर देते हैं। ये रहा ग्रुप फ्रंट पेज, इस पर क्लिक करें और इसको भी अनटिक कर दें, इनेबल कस्टम फ्रंट पेज को, बैक करें। और सेकेंड ऑप्शन रहेगा ग्रुप नेविगेशन, इसको भी डिस्प्ले ग्रुप नेविगेशन वर्टिकली कर दें। ओके पब्लिश कर दें इसे, और इसे अभी कट कर सकते हैं आप। अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर हमारे ये नेविगेशन है, बीच में ये एक्टिविटी स्ट्रीम है, आप कुछ अपलोड कर सकते हैं, कुछ स्टेटस डाल सकते हैं, लोग उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, उसे फेवरेट कर सकते हैं। ओके सो हमारा ये पेज कंप्लीट है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस डाल सकते हैं हम, विजिट्स डाल सकते हैं, जैसा कि हमने विजिट्स डाला डैशबोर्ड पे यहाँ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्रेंड्स विजिट डाला हुआ है, सो अगर आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे और अंडर अपीयरेंसेस आपको ये विजिट्स पे फिर से क्लिक करना है, और अभी आप जो भी विजिट डालेंगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आई थिंक बड़ी प्रेस प्रोफाइल, हाँ बड़ी प्रेस प्रोफाइल सेलेक्ट करना होगा। सो आप फिर से अभी मैं काम करता हूँ कंट्रोल एफ डालता हूँ फाइंड करने के लिए, और फ्रेंड्स ये रहा बड़ी प्रेस फ्रेंड्स, इसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ से बड़ी प्रेस प्रोफाइल सेलेक्ट करें, ऐड विजिट कर दें। ओके नंबर ऑफ फ्रेंड्स टू शो, और एक्टिव फ्रेंड्स या फिर न्यूएस्ट फ्रेंड्स, सो मैं न्यूएस्ट फ्रेंड कर रहा हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ के चलिए पेज रिफ्रेश करते हैं, और आप देख सकते हैं अभी ये विजिट यहाँ शो कर रहा है। अभी हम इसे और विजिट्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप ऑनलाइन यूज़र्स या फिर रिसेंट पोस्ट, बहुत सारे इधर यहाँ विजिट्स है, एज यू कैन सी ऑडियो आर्काइव कैलेंडर आप ऐड कर सकते हैं, इवेंट लिस्ट का विजिट आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी विजिट आपने होम पेज पे यूज़ किया है वो सभी विजिट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ओके सो ऐसे हम ये करते हैं, अभी बहुत कम चीज़ें बाकी हैं, इनफैक्ट दो से तीन चीज़ें ही बाकी है। सबसे पहले तो हमारा ये चैट ऑप्शन बाकी है, ओके लोग कैसे फ्रेंड्स एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, सो ये ऑप्शन ऐड करने के लिए हमें एक नया प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। ओके सो आप अपने डैशबोर्ड पे आए, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आपको ये प्लगइन मिलेगा, प्लगइन पे हावर करके ऐड न्यू करें। अभी यहाँ सर्च प्लगइन पे वॉइस चैट टाइप करें, ओके WISECHAT
वॉइस चैट टाइप करें और आपको ये वाला वॉइस चैट बाय काइनेक्स ओके इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप वो वॉइस चैट का प्लगइन एक्टिवेट करेंगे, आप सेटिंग्स के अंदर अभी आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आप हावर सेटिंग्स पे हावर करेंगे, आपको ये नया ऑप्शन मिलेगा वॉइस चैट सेटिंग्स, उस पर क्लिक करें। अभी चैटिंग स्टाइल क्लासिक चैट, सो आपको क्लासिक चैट सेलेक्ट करना है और मेक श्योर आप इसको सेलेक्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेबल एनोनिमस यूजर्स। सो अगर किसी बंदे ने आपके वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया, सो वो चैट यूज़ नहीं कर सकता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद आप सिंपली सेव चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ ये फ्री वर्जन है, ऑब्वियसली आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा, इनेबल बड़ी प्रेस। ओके सो अगर बड़ी प्रेस नहीं है तो आपका चैट ऑप्शन तो काम करेगा, बट आप कोई भी किसी से चैट कर सकता है। बट आप अगर इसका प्रो वर्जन लेंगे, सो आपको उसमें फ्रेंड्स से ही चैट कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सो आप पहले आप खुद फ्री वर्जन ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप प्रो पे भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ओके सो इतना करने के बाद अगर आप फिर से अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, सो आपको ये चैट ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। ओके सो ये चैट ऑप्शन भी काम करना शुरू कर दिया। अभी कुछ फाइनल स्टेप्स हमें लेने हैं, जैसा कि अगर आपको ये लोगो चेंज करना है और ये सब ऑप्शंस, अगर आपको कलर स्ट्रक्चर, अगर आपको ऑल ब्लू पसंद नहीं आ रहा है, आपको कलर स्ट्रक्चर दूसरा चाहिए, आपको फॉन्ट्स ही पसंद नहीं है, तो अभी चलिए देखते हैं फाइनल स्टेप वो सब कैसे करते हैं। ओके कस्टमाइजेशन जिसको बोलते हैं, हाउ टू कस्टमाइज़ योर वेबसाइट। सो फिर से कस्टमाइज पे क्लिक करें। अभी वो सब ऑप्शन यूज़ करने के लिए पहले हमें एक प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। ओके सो आप सिंपली, आपको ये यहाँ पर मैसेज आएगा, प्लगइन इज़ रिक्वायर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस थीम्स फीचर इन द कस्टमाइजर, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। सो वो ऑटोमेटिकली उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेगा। अभी आपको सिंपली एक्टिवेट करना है ये प्लगइन और फिर से हमें अभी कस्टमाइज पे जाना है। सो कस्टमाइज पे जाने का एक और तरीका है, वो तो फ्रंट एंड से था, फ्रंट एंड पे आप इसके क्लिक करें। अगर बैक एंड से आपको कस्टमाइज पे जाना है तो आप हावर और अपीयरेंसेस करके कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सेम ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। एज यू कैन सी कस्टमाइज पे पहुँच गए। अभी वो थीम, जैसे वो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमें अभी एक नया ऑप्शन मिल रहा है, थ्राइव कस्टमाइजेशन। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोगो चेंज करना है, आप लोगो सेटिंग्स पे जा सकते हैं और इसे रिमूव करके, लोगो को रिमूव करके अपना खुद का एक लोगो डाल सकते हैं। ओके सो देखते हैं अगर कुछ लोगो है यहाँ पर। यहाँ कुछ खास लोगो नहीं है, सो मैं तो, बट आप ऐसे यूज़ कर, आप ऐसे लोगो चेंज कर सकते हैं। जो भी लोगो चाहिए आप सिंपली सेलेक्ट करके ओपन करें और आपका लोगो चेंज हो जाएगा। ओके बट मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास कोई खास लोगो नहीं है। आप लोगों का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लोगों को बड़ा करना है, एज यू कैन सी आप इसका साइज़ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर बैक आएंगे तो आपको मिलेगा साइट लेआउट कैसा चाहिए आपको, टू कॉलम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वन कॉलम ये है साइड बार और सेकेंड कॉलम कॉन्टेंट है। अगर आपको सिर्फ कॉन्टेंट चाहिए, साइड बार नहीं चाहिए, तो आप इसे वन कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एक कॉन्टेंट डिसेबल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं अभी आपका वेबसाइट ऐसा लग रहा है, कंटेंट डिसेबल हो गया, जो साइड बार का मेन्यू डिसेबल हो गया है। बट मुझे बोथ कॉलम्स वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, सो आई सेलेक्ट टू कॉलम्स। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको चाहिए कुछ रेड वैसा बैकग्राउंड कलर जैसा आप देख सकते हैं, या फिर ग्रे टाइप का बैकग्राउंड कलर, सो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी ऐसा लगेगा आपको। ओके सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ इमेज डालना है तो आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बैक जाएंगे तो आपको टाइपोग्राफी ऑप्शंस है। जैसे थ्रू आउट दी वेबसाइट अगर आप देखेंगे, रोबोटो फॉन्ट यूज़ हुआ है, बट आप चाहे तो आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ओके फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ रोबोटो अगर आप चाहे तो मॉन्टसेरेट फॉन्ट एक बहुत ही अच्छा फॉन्ट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। रोबोटो भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी मैं इसे चेंज करूँगा, आप चेंजेस देखेंगे मेरे वेबसाइट पर। एज यू कैन सी अभी ये फॉन्ट चेंज हो गया है। ओके सो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फिर आप बैक आएंगे तो आपको जनरल कलर्स चेंज कर सकते हैं, हेडर स्टाइल। अगर आप हेडर स्टाइलिंग पे जाएंगे तो हेडर का बैकग्राउंड कलर ब्लू है, अगर मुझे ब्लू के जगह सपोज रेड चाहिए तो मैं रेड सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके और आप यहाँ का भी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, हेडर का टाइपोग्राफी, हेडर के फॉन्ट्स। ओके ये सब ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। साइन अप बटन जो हमने देखा है डेमो वेबसाइट में, अगर आप देखेंगे ये साइन अप बटन का ग्रीन कलर है, अगर आप इसे कुछ दूसरा कलर करना चाहेंगे तो आप यहाँ से कलर साइन अप बटन का भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद विजिट स्टाइलिंग, विजिट आपका ये है जो हमने विजिट्स ऐड किए हैं, सो इसको भी अगर आप चाहें तो रेड कर सकते हैं। सो आपका कंप्लीट वेबसाइट का थीम चेंज हो जाएगा। ओके
अगर आपको ब्लू की जगह रेड थीम चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। साइट नेविगेशन की सेटिंग्स ये है, सो साइट नेविगेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन पेज का अगर आपको कुछ चाहिए चेंजेस तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये उतने इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट थी पहले मैं से पब्लिश कर देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी मैंने आपको सब की सब दिखा दी है। आई होप अभी आपको ये वेबसाइट पसंद आया होगा, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं हिंदी में ना के बराबर वीडियोस बनाता हूँ, इनफैक्ट ये मेरा सेकेंड वीडियो है जो हिंदी में है। मैं बेसिकली इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, बट बहुत ही हाई डिमांड था लोगों की तरफ से, मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से, बिकॉज बहुत सारे बंदे इंडियन हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी बंदे इंडियन हैं। सो उनका डिमांड था कि भाई हिंदी में भी बना दो, हमको भी कुछ सिखा दो। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन भाई सिखा देता हूँ, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत ही टफ है मेरे लिए, बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट रहता है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रगल करके और यू नो कॉम्प्रोमाइज़ करके ये ट्यूटोरियल बनाया हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोगों को चाहिए मोर हिंदी वीडियो और भी ज़्यादा हिंदी वीडियोज़ चाहिए तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी हिंदी वीडियोज़ बना सकूँ। अगर मुझे कुछ इससे डिमांड और इससे कुछ नहीं समझ में आया, इससे अच्छा आप लोग का रिस्पांस नहीं मिला, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ फ़ायदा नहीं ये बना के। ओके, सो मैं नहीं बना पाऊँगा। सो अगर आपको चाहिए और भी वीडियोस हिंदी में, सो आपको ये चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। और राइट गाइस, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थम्स अप दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी आपको डाउट है, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून।